他又不想挣钱。<laughs> <laughs>

Thank you. <laughs> BAS 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 दीदी क्या था टोटल पीछे वाली सॉरी 193 और मेरे वाले बीसी के टोटल इको बीसी के 39 60 और लॉ के अंदर थर्टी नाइन भैया बहुत कम 160 बहुत कम और कौन है मेरे वाला दिखने रहा मुझे कोई दीदी तू भी थी ना शायद हाँ टोटल बोल तेरा 196 नाइनटी इको बीसी के और लॉ में बता की को भी सिक्के में कम है मेरे हिसाब से अगर उसमें थोड़ा खेच देती तो शायद चांस बन जाता और पीछे वाले नहीं कोई देखा देखा नहीं लग रहा है मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ नहीं वहां तक नजर पहुंची नहीं अब तक ये बहनों में से दीदी -दी शायद देखी देखी लग रही है हाँ दीदी -दी टोटल बोल टू फिफ्टी कैसी कैसी बातें कर रही है मैथ्स में गई होंगे हंड्रेड तो फिर टोटल बता लॉ का मे भी एक बार मंगवा लिया पेपर मंगवा लिया होगा अब तक तो इनशाला सॉरी वेरिफिकेशन नहीं घर पे मंगा ना अटेस्टेड तो देखिए तो से आपने कहाँ पे क्या गलती करी अपने साथ में लॉ पढ़ा नहीं था बट फिर भी एक पीछे देख तो सकते हैं ना कम से कम और पीछे वाली वो दीदी देखी देखी लग रही है ओ दीदी चश्मे वाली हाँ टोटल बताओ सॉरी बहुत कम आगे बात करने का मतलब ही नहीं है भैया से बात करी पीछे वाले कोई मेरे वाले हैं आपके वाले हैं मतलब ये थी या फिर एक्नोलेजमेंट <laughs> था हाँ सर टोटल बताइए ओके एंड मेरे बीसीके के वाले टॉपिक के अंदर कितने टोटल सिक्स बाजू वाले भैया जल्दी बोल टू थर्टी टू एंड ई के लॉ के बाजू वाला भैया ठीक है Majority को भी देखा देखा लग रहा है बे। देखा देखा लग रहा है टोटल बता तेरा टोटल बता वन एंटी फाइव अच्छा है यार और इको uh, बीसी के लॉ के अंदर वो मैं ओके मतलब अराउंड दस दिन से बात करी और आ, मुझे तो कंक्लूजन एक ही मिला आपको भी अब तक मिल गया होगा लॉ में बहुत दुख दर्द पीड़ा, पीड़ा है।, है ऐसा मुझे अब तक रियलाइज हो चुका है सर जितने लोगों से ही बात करी उतने लोगों से बात करके खोपच में लोग <laughs> बात करें विद रिगार्ड्स टू आपका जो रिजल्ट है देख सालों से ऐसा ही चल रहा है सौ जो अगर दे रहे एग्जाम आपका सी फाउंडेशन का सर पास आपकाउंडी लोग ही होने वाले हैं दैट इज वेरी मच श्योर वॉट यू नीड टू नो इस अगर आप अपना 90 परसेंट भी एफर्ट डाल रहे हो आप फेल हो सर मैं तो बोलता हूँ नाइन्टी नाइन परसेंट भी एफर्ट डाल रहे हैं अगर आप तो आप फेल हैं सर इट टू बी हंड्रेड परसेंट और इट हैज बी मोर देन हंड्रेड परसेंट इट के नॉट बी लेस इतना आपको अपना रियलाइज हो जाना चाहिए मैं आपकी जगह होता अगर सपोज जैसे हमारे को भी बहुत टाइम ऐसा होता है बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है जैसे मैं पहले दूसरी क्लासेस में था वहाँ से इस क्लासेस में आया तो 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 बिग डिसीजन तो मैं मस्त मरीन ड्राइव गया अकेला दो घंटे वहां पे बैठा आराम से और खुद से बातें करी लेजिट बोल रहा हूँ मतलब मैं ऐसा करता रहता हूँ तीन, तीन चार पाँच महीने में एक बार इंग्लिश में उसको इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं कभी ट्राई करना ठीक है ऐसे लोग आपको पागल बोलेंगे बट वैसा ऐसा पागल होता नहीं है आपको खुद से बात करनी होती है तो, देख मैं नहीं बता सकता आप क्यों फेल हुए आपके माँ बाप नहीं बता सकते आप कहा फेल हुए ना आपको कोई और फैकल्टी बता सकता है इट इज़ यू योर जो बता सकता है कि आप क्यों फेल हुए इट कैन बी एनीथिंग सर गर्लफ्रेंड ने पढ़ने नहीं दिया सर बॉयफ्रेंड ने पढ़ने नहीं दिया सर आप मूवी देखने चले गए सर एग्जाम में जाके ब्लैंक हो गए सर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं थी सर प्रिलिम्स uh, नहीं दिए थे या प्रिलिम्स दिए थे पर उसको सीरियसली नहीं लिया था इट कैन बी एनी थिंग वो आपके अलावा किसी को पता नहीं हो सकता दैट इज फॉर श्योर ना मुझे ना आपके पेरेंट्स को वॉट यू नीड टू बी नोइंग जो था हो गया ठीक है इट इज ओके अगर आप फेल, होते, होते, हो, अगर फेल होते, होते हो तो बिकॉज अगर बीकॉम में फेल होते तो एक बहुत बड़ी बात है टू तो बी वेरी ऑनेस्ट Like मेरे को छः साल हो गए मैं मीठी भाई कॉलेज में हूँ मैं नरसिंह मोहनजी कॉलेज में हूँ एंड लेजिट कोई बच्चा फेल होता है ऐसा तो लगता है यार बी कॉम में फेल हो गया हद हो गई मतलब तो मैं बी कॉम थोड़ी कर रहे हैं ठीक है दिस इज प्रोफेशनल स्टडीज एंड आप सी ए बी ए कर रहे हो इट इज हंड्रेड परसेंट ओके इफ़ यू फेल्ड इट इज हंड्रेड परसेंट नॉट ओके इफ यू हैपन टू रिपीट द सेम मिस्टेक जस्ट इमेजिन आप दो बार तीन बार अगर फाउंडेशन में फेल हो जाते हो हो सकता है आपके पेरेंट्स से आपको बोलते हैं पेरेंट्स से तो मैं खुद बहुत मुँह पे बोल दूं कि भाई एक काम का सी ड्रॉप कर दे कितना ऑब्वियस है अगर फाउंडेशन में दो या तीन बार फेल हो रहे हैं अपन तो जस्ट इमेजिन इंटर में जब टेन टाइम ज़्यादा मेहनत लगेगी फाइनल में हंड्रेड टाइम ज़्यादा मेहनत लगेगी तब क्या उखाड़ लेंगे अपन कितना ऑब्वियस है जो था हो गया वॉट यू टू नो इज आधा घंटा एक घंटा लेके खुद से बात करिए हाथ में ग्लास वास लेके पानी का पीते रहिए उसको एंड टॉक विथ योर सेल्फ यार ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ जैन्यून नहीं बोल रहा एक बार ट्राई करना जेहन्यून बोल रहा हूँ उसमें पानी रखना पर एंड बात करना खुद से कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ एंड देन टेक आगे के स्टेप्स अकॉर्डिंगली ऐसा मैं मानता हूँ ठीक है हम आज की बात करते हैं हम आपके साथ करेंगे बेसिकली लॉ पूरा का पूरा कवर आपको पता पड़ गया होगा अब तक तो आई गेस के सिलेबस में काफी सारा मॉडिफिकेशन हो चुका है मतलब लाइफ में दर्द इतना है कि पुराना घंटा आज तक समझ में नहीं आया उसमें नया और डाल दिया ठीक है तो मतलब है थोड़ा दर्द है एक बार देखते हैं सिलेबस को मैं ओपन करता हूँ आपके सामने ये देख ये आपका सिलेबस है थोड़ा तो ध्यान से देखिएगा मैं यहाँ पे जूम आउट कर देता हूं यूट्यूब पे वी आर मेनी ऑफ देम ठीक है ज़ूम पे पे ही बहुत बैठे हुए हैं एनीवेज़ फोकसिंग सुना आपने लाइफ में अब तक जो नहीं पढ़ा उसकी बात करते हैं वी हैव समथिंग कॉल्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क

अभी इसको शिफ्ट कर दिया सी फाउंडेशन के अंदर जब ये सी इंटर में था तब अराउंड सेवेंटी पेज का चैप्टर था आपको जब फाउंडेशन में डाला तो पच्चीस तीस पेज का करके डाला है सिर्फ मतलब आपको बहुत कंसाइज पढ़ना है एंड uh, हमारा आई ऐसा सोच रहा है कि आपकी जनरेशन जो है वो वैसी है कि जो बच्चा पहले इंटर में नैगोशियबल इंस्ट्रूमेंट समझ सकता था आप फाउंडेशन में समझ सकते हो ऐसा मेरे को नहीं उसको लगता है आई <laughs> मेरे को गाली मत देना मेरे को हिचकी नहीं आना चाहिए ठीक है ऐसा उसको लगता है वॉड

टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है ठीक है इंडेमिनिटी गारंटी बेलमेंट एजेंसी इज वेरी इंटरेस्टिंग आप ये सोचो कि आपका जो फोर्टी मार्क्स का बी सी आर था ऑल दो मैंने आपको बीसीआर पढ़ाया था जो बच्चे मुझसे पढ़े उ, 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 उनको पता है हमारा अच्छा भी था बी सी आर हम क्लास के अंदर स्टॉप वॉच चालू करके पढ़ाई करते थे बीसीआर के अंदर जो भी था मैं था तो दर्द ही इन द सेंस सर मैं कितना भी अच्छा लिख लू फुल मार्क्स मिलेंगे नहीं ठीक है मैं नोट मेकिंग समरी बनाता हूं ठीक है आ, आपका क्वेश्चन नंबर सेवन का बी कंपलसरी क्वेश्चन अब मैं नोट मेकिंग समरी कितना भी अच्छा कर करूं मुझे पांच पैसे तीन साढ़े तीन मार्क्स ही देगा लॉ के अंदर नहीं होगा सर आपका आंसर अगर है है टू द पॉइंट आपने सेक्शन नंबर लिखे हैं लिखा हुआ है उसको झक मार के आपको में से पांच देना पड़ेगा तो आप यह बात तो मान के चलो कि जो बीसीआर हटा मतलब आपके मार्क्स बढ़ने के स्कोप में एनहेंसमेंट हुआ है दैट इज फॉर श्योर ठीक है सिलेबस भी थोड़ा सा बढ़ा है ज्यादा नहीं थोड़ा सा आई थिंक अराउंड सिलेबस बढ़ गया बट ठीक है जो भी है, है। वह कुछ इग्नोर नहीं कर सकते उसको जो मुझसे पढ़े हुए हैं उन्होंने भी आई थिंक मुझसे लॉ कभी नहीं पढ़ा ठीक है बिकॉज मैं लास्ट क्लास लास में ज्वाइन किया था दूसरे क्लासेस से शिफ्ट किया था था पे तो मेरे पास टाइम सिर्फ आपका बीसीआर कवर करने का ऑल मैंने यूट्यूब पे बीसी के कवर किया था छह सौ कवर किए थे इंडिया में अकेला फैकल्टी छे सौ कवर किए थे पांच घंटे के अंदर और ऐसा एक क्वेश्चन हो नहीं सकता आपके एग्जाम के अंदर जो उस छे के बाहर का हो एक था वो रॉन्ग क्वेश्चन था

दैट इज आउट राइट इन जस्टिस ठीक है बिकॉज आप में से काफी लोग मुझसे पढ़े हैं काफी लोग मुझसे नहीं पढ़े कोई महान क्लास से पढ़े हुए हैं जो भी है ठीक है तो मैं सामान मान के रहा हूँ आपको घंटा कुछ नहीं आता तो हम लोग ब्लैंक पेज से ही स्टार्ट करें दैट इज फॉर शॉर्ट ऑल दो स्पीड वन पॉइंट फाइव एक्स होगा वो आपको ही मानना पड़ेगा बिकॉज हमारे पास इतना टाइम ता ही नहीं है कि हम पूरा सिलेबस कर सके नॉर्मल स्पीड के अंदर अगर होता तो वो भी कर लेते डेफिनेटली कर लेते तो हमारे पास टाइम ही कहाँ है सर अभी दो महीना ढाई महीना तीन महीना खत्म होगा आपके प्रेम साल हो जाएंगे तो we don't have time, that is for sure. फिर भी हमने ट्राई करा कि एटलीस्ट साठ घंटे का पोर्शन तो मैं लेके चलूँ जिससे मुझे भगाना ना पड़े कि हाँ चल हो गया हो गया ये खुद कर लेना होमवर्क कर लेना हो गया नहीं भाई वो वापस भी सेम रिजल्ट आएगा मेरे को आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है एक नहीं सॉरी दो है पहला आपके पास एक ब्लैंक नोटबुक होनी चाहिए एकदम फ्रेश आपके पहला जो भी फैकल्टी था बहुत 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 महान होगा उसके नोट्स रखना अपने पास मेरे अलग बनाना बस ठीक है एकदम फ्रेश नोटबुक सौ पेज भी होगा तो भी चलेगा सौ पेज से ज्यादा मैं लिखवाता नहीं हूँ ठीक है सौ भी शायद शायद ही भरेंगे उसके अंदर आपके बेसिकली कवर होंगे सारे कंसेप्ट मैं बहुत सारे डायग्राम्स बनाता हूँ वो डायग्राम्स कवर होंगे और मैं आपको याद करने के जो तरीके दूंगा वो उसमें लिखे हुए होंगे तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट विल ब्लैंक पेज दूसरा यू नॉट बी एबसेंट देख कैसा होता है अगेन वो नाइनटी परसेंट एफर्ट्स वाली बात बोल रहा हूँ सपोज सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूँ संडे का भी लेक्चर होगा नहीं आज के बाद सपोज संडे लेक्चर है आपने सोचा कि यार चल आज ऑनलाइन कर लेते हैं चल मेगा ब्लॉक है तो आज तो तकलीफ होगा खर्चा हो जाएगा तो चल आज देख नहीं जाते नहीं ऐसा नहीं होगा अगर आपके पास पॉसिबिलिटी uh, है कि आप आ सकते हो ऑफलाइन तो आपको ऑफलाइन ही आना चाहिए ऑनलाइन में आपको भी पता है मुझे पता है किस पोज में अपन बैठे होते हैं हाथ में क्या होता है अपने एंड दिमाग में क्या होता है इट डज नॉट मेक एनी सेंस अगर आप ऑनलाइन बैठे हो इवन दो यू हैव द चांस ऑफ कमिंग ऑफलाइन तो कोई सेंस नहीं है आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो अलग बात है ठीक है हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा फॉर श्योर कंपनीज एक्ट बिकॉज वो अखिल ऐसा चैप्टर है जो आप सी ए फाइनल तक पढ़ोगे एंड इवन सी ए फाइनल के बाद भी जब सी ए बन जाओगे वही चैप्टर आपको सबसे ज्यादा काम आएगा तो वी आर डेफिनेटली स्टार्टिंग विद कंपनीज तो वेटेज भी अच्छा खासा है ऑल दो हाइएस्ट वेजेज कॉन्ट्रैक्ट है थर्टी फाइव टू फोर्टी मार्क्स बट स्टिल कंपनीज एक्ट एंड सोगा आर इक्वली इंपॉर्टेंट तो हम स्टार्ट करें कंपनीज एक्ट से फटाक से आपको नोटबुक ओपन कर लेनी चाहिए एक फ्रेश नोटबुक होपफुली तो आप लेकर आए होंगे प्लीज मेक इट वेरी फास्ट तब तक मैं ऑनलाइन वालों की मैसेज पढ़ लेता हूँ जो लोग यूट्यूब पे हैं वो भी सारे एंड जो जूम पे हैं उनके भी सारे प्रणव माय टोटल लॉ में थर्टी थ्री ठीक है सर सी एंटर नवंबर ट्वेंटी फोर को भी आप पढ़ाएंगे अंधेरी बैच सर रिप्लाई करो प्लीज अमन यार मैं कुछ डिसाइड नहीं करता हूँ टू तो बी ऑनेस्ट आपको एक बार पूछना पड़ेगा ब्रांच पे जाके ठीक है अमन बोलो भाई सही सही सॉरी। हाँ हंड्रेड परसेंट भाई हंड्रेड परसेंट रिसोर्सेज वेस्ट थोड़ी करेंगे जूम पे ट्वेंटी फोर लोग देख रहे हैं ए जूम वालों आई होप यू आर देयर ऑलरेडी ठीक है हम क्वेश्चंस पूछेंगे आपको आंसर करना होगा आप जूम पे देख रहे थे तो भी आप यूट्यूब पे देख रहे थे तो भी ठीक है मेरे दोनों टाइप ओपन है साइमल्टेनियसली तो आप जो भी मैसेज करेंगे मुझे दिख जाएगा तुरंत हा सर आगे बढ़ते हैं पे हेडिंग देंगे कंपनीज एक्ट 2013 जल्दी करिए बात शॉर्टली नहीं कर सकते अब तक रियलाइज हो जाना चाहिए कि भाई बात बात करके कुछ नहीं होगा आसपास आपके जो लड़के लड़कियां बैठे हैं ना अपोजिट सेक्स जो भी है वो सब मोह माया है सर सब छोड़ दे वो सब टेम्परिरी है ये परमानेंट है ठीक है मैं आपको एक ऐसे लोग शेयर करते नहीं जैसे पर मैं ऐसा कुछ मानता नहीं मैं आपको बाद में दिखाऊंगा एक मेल इनका वाईफाई कनेक्ट करके विध रिगार्ड्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सीए डिग्री ठीक है ब्रेक में, में भी मैं आपको फिलहाल आप हेडिंग दो कंपनीज एक्ट जल्दी से कंपनीज एक्ट दो हजार तेरह ये सर यहां है, ओके सॉरी मर्जी मेरी दिखता है यार नहीं दिख रहा है मैं देख रहा हूं यहां पे देख रहा हूं दिख रहा है इस विजिबल, बराबर है हाँ सर अपन फोकस करते हैं सुना यहां पे, हाँ आपको ऐसा बोलने की ट्राई कर रहे हैं कि आप जिस भी क्लास से आए होंगे डेफिनेटली अच्छा होगा बट मे में ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा बोला होगा कि फाउंडेशन लेवल के ऊपर सेक्शन नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते डेफिनेटली ऐसा बोला होगा अब जो भी क्लास से आते हैं हम किसी का नाम नहीं लेते जो भी है मैं आपको ऐसे नहीं सेक्शन आपको आना ही चाहिए मैं आपको खुद से बात करने को बोल रहा हूँ कि अरे जस्ट इमेजिन कर तू पेपर चेक करे तेरे सामने दो कॉपी आई है एक में लिखा हुआ है एज पर द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनी दो हजार तेरह डैश 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 और एक में प्रॉपर लिखा हुआ है एस पर सेक्शन टू क्लॉज ट्वेंटी पेपर चेक कर आपको खुद को लगेगा कि यार ये बच्चा पढ़ पढ़कर है मुझे इसको ज्यादा मार्क्स देने चाहिए तो जहां पे इसको पांच में से चार मिल रहे हैं उसको शायद पाँच में से तीन ही मिलेगा वो एक एक मार्क ही तो आपको फोर्टी से थर्टी नाइन थर्टी थ्री थर्टी टू तक तो लेके आ जाता है वो हमें लिए हर एक मार्क इंपॉर्टेंट है ठीक है तो मोबाइल वोबाइल जो भी आपके आसपास जो भी लड़की लड़कियां बैठे हैं सब छोड़ दे सेल्फिश बन खुद पे फोकस कर ठीक है स्टार्टिंग विद कंपनीज एक्ट वेरी फर्स्ट जोट विल के अंदर जो आपको आने चाहिए मतलब एक सेक्शन फोर जीरो का कुछ करनी है ट्वेंटी थ्री आपको आने चाहिए अगर मैं फटाक से उनका नाम बताऊँ दट गोज लाइक दिस सीक्वेंस से बोलो टू प्लस सिक्स एसोसिएट कंपनी टू प्लस ट्वेंटी टू प्लस ट्वेंटी वन कमार्ट टू ट्वेंटी टू कम शेयर विथ टॉर्टी टाइम टू फॉर्टी फाइव गर्वमेंट कमनी टू फोर्टी सिक्स होल्डिंग कम्पनी टू सिक्स टू वर्सन कपनी टू सिक्स प्राइवेट कंपनी टू सिक्स नाइन प्रमोटर टूवेंटी वन पब्लिक कम्प उसके बाद एस टी फाइव स्माली सैवन सी टू लिमिटेड लाइवी कमनी से टू वाले सारे के सारे हैं

मैं लिस्ट बता रहा दो सेक्शन बनेंगे आपके पहले होगा आपका सेक्शन का नाम बाजू में होगा उसका नाम देख किस तरह से मैं आपको इट विल गो समथिंग लाइक दिस हमने लिखा टू, सिक्स। सामने लिखेंगे उसका जो नाम होगा वो सपोज एसोसिएट कंपनी तो इस तरह से आपका पूरा एक पेज भरेगा स्टार्ट करिए जल्दी से अगर हम क्लास में लिखते रहते हैं तो हमारा ध्यान बने रहता है थ्योरी सब्जेक्ट है सुन, सुन 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 नहीं कर सकते सिर्फ यू है टू क्लॉस सिक्स उसको सबसेक्शन क्यों नहीं बोलते क्लॉस क्यों बोलते वो भी डिस्कस करेंगे सर वो आपके सर ने आपको नहीं पढ़ाया होगा जल्दी स्टार्ट करिए ओके okay, सर मैंने एडमोवेट में एडमिशन लिया बिकॉज आई स्टडीड फाउंडेशन फ्रॉम यू नाइस अमन भाई थैंक यू सो मच फॉर द पॉजिटिविटी हाँ टू क्लॉस सिक्स आप पूरा लिखना मैं शॉर्ट में लिखा है टू क्लॉस सिक्स सामने एसोसिएट कंपनी नेक्स्ट पे आइए टू क्लॉस ट्वेंटी कंपनी Two Clause two zero twenty Company Next two Clause twenty one Company Limited by Guarantee Company Limited by Guarantee Next two Clause twenty two Company Limited by Shares नेक्स्ट 242 फॉरेन कंपनी 242 फॉरेन कंपनी टू फोर्टी टू फॉरेन कंपनी आगे टू फोर्टी फाइव कंपनी टू फोर्टी फाइव कंपनी next 246 holding company 246 holding company next 252 listed company 252 listed company next 262 1% company Two sixty two one person company, two sixty eight private company, next two sixty nine promoter, two sixty nine promoter, next two seventy one public company. सेवेंटी वन पब्लिक कंपनी नेक्स्ट टू सेवेंटी टू पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू सेवेंटी टू पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नेक्स्ट टू एटी फाइव स्मॉल कंपनी ये थर्ड लास्ट है आपका टू एटी फाइव स्मॉल कंपनी टू एटी सेवन सब्सिडरी कंपनी टू एटी सेवन सब्सिडरी कंपनी लास्ट टू टू अनलिमिटेड कंपनी टू टू अनलिमिटेड कंपनी या फिर अनलिमिटेड लाइब्रिटी कंपनी कुछ भी आप लिख सकते हैं सेक्शन टू खत्म हो गया सर आगे बात करते हैं सेक्शन नंबर थ्री ये डेफिनेशन थी सेक्शन नंबर थ्री फॉर्मेशन ऑफ कंपनी सेक्शन नंबर थ्री फॉर्मेशन ऑफ कंपनी सेक्शन नंबर फोर एमओए शॉर्ट में लिख एमओए सेक्शन फाइव एओए सेक्शन सात Incorporation of company. Incorporation of company. Next. Section 8. Company formed with charitable objects. Section 8. Company formed with charitable objects. Next. Section 9. इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन नाइन इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन उसके बाद सीधा आपको काम आएगा मेरे हिसाब से सेक्शन उसके पहले सोच रहा हूं एक बार कुछ बच गया तो मैं कुछ भी नहीं बचाया फोर फिफ्टी फाइव डॉर्मेंट कंपनी सेक्शन फोर फिफ्टी फाइव डॉर्मेंट कंपनी देख काउंट का कितना हुआ ट्वेंटी थ्री होना चाहिए कितने सेक्शन लिखे आपने 4 फीट वाइड ओपन कंपनी 23 है ना बाय 23 होना चाहिए ठीक है नाउ आगे बढ़ने से पहले टेक अ मिनट और टू एंड आपने जो लिखा है अभी सेक्शन नंबर 2 के अंदर उसको ऑब्जर्व कर ठीक है देख तुझे कुछ ऑब्जर्व होता है क्या सेक्शन नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं सेक्शन 2 में आपने जितना भी लिखा है देख उसको एक बार और उसके अरेंजमेंट को देख के आपको कुछ ऑब्जर्व होता है क्या क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी ठीक है नॉट अ रॉन्ग आंसर बट मैं वो नहीं पूछ रहा हूं कुछ और अल्फाबेटिकल ऑर्डर आंसर इज हंड्रेड परसेंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहली ट्रिक हो गई सर सेक्शन नंबर याद रखने की आप फोकस करो उसके ऊपर फोर्टी टू फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स के ऊपर फोर्टी टू इज एफ फोर्टी इज जी फोर्टी इज एच एफ जी एच तो एक पहला तरीका हो गया जो आप जिससे आपको सेक्शन नंबर याद करना और इजी हो जाएगा इसके सर सिर्फ सेक्शन नंबर टू जो डेफिनेशन का सेक्शन है उसके अंदर जैसे डिक्शनरी में होता है वैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर सब कुछ प्लेस्ड है ठीक है वेरी सिंपल एक और ऑब्जर्व करते हैं चल ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ऑब्जर्व करते हैं तीनों के अंदर कंपनी वर्ड सेम है ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू पे आते हैं ट्वेंटी वन के अंदर बाय लिमिटेड बाय पहले आ, सर जी आता है बाद में एस आता है इसलिए वन के अंदर हमने लिमिटेड लिमिटेड गारंटी लिखा, लिखा, के अंदर ठीक है एकदम बेस्ट तरीका इसको सेक्शन नंबर टू को याद करने का ठीक है वॉट एवर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम इसको कवर करते जाएंगे जो आपने लिखा अभी सेक्शन नंबर सारे के सारे फिलहाल स्टार्ट कर रहा हूं टू क्लॉस ट्वेंटी लिखा हुआ मोटा मोटी सबको क्या में आता होगा सर कंपनी का डेफिनेशन क्या होता है मोटा मोटी सब मैं मान रहा हूं बट लाइक आई साइड हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपके सामने ओपन करता हूं एक बार कंपनी का डेफिनेशन और उसको हम रट्टा नहीं मारते हम लॉजिकली समझते हैं कितना रट्टा मार लोगे इतना बड़ा सिलेबस है आप हर कुछ रट्टा नहीं मार सकते हैव टू स्टडी लॉजिकली ऐसा मैं मानता हूँ देख आपके सामने मैंने ओपन करा टू क्लास ट्वेंटी मैं एक बार मार्क कर देता हूँ दो हज़ार तेरह कंपनी कंपनी अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ यहाँ पे वो खत्म हुआ ठीक है तो मैं ऊपर तो हटा देता हूँ जो सिर्फ इंट्रोडक्शन है इसको मैंने हटा दिया सिर्फ मार कर लेता हूं जो है। है। क्योंकि हमें रटा नहीं मारना, लॉजिकली पढ़ना है तो उसको लॉजिकली पढ़ने कुछ लिखना नहीं है भाई इसको मैं दो मिनट के लिए काट दिया ठीक है अब जो लिखा है उसको पढ़ने की ट्राई करते हैं सर बोलता है कंपनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड पहले आपको बता चाहिए का मतलब मैं लिखता हूँ पैदा होना कोई यहाँ पे साउथ बॉम्बे साउथ दिल्ली से है तो भाई उसके लिए टू कम इन टू एग्जिस्टेंस जो मेरे जैसा है पैदा होना जहां से भी आप बिलोंग करते हो तो बोलते हैं कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और डीप में जाते हैं और स्पून फीडिंग करते हैं थो थोड़ा सा सर यहाँ पे जो लिखा है दिस एक्ट दिस बेसिकली मीन्स कंपनीज एक्ट 2013 ठीक है तो हिंदी में मतलब हुआ सर कंपनी का मतलब वो कंपनी है जो कंपनी से एक दो हजार तेरह आने के बाद पैदा हुई है कितना सिंपल हमारा कंपनी से एक दो हज़ार तेरह आया उसके बाद मेरी कंपनी बनी कैसे बनी सर जैसा कंपनी से एक दो हज़ार तेरह में लिखा हुआ है वैसे बनी तो आपको हम लोग कंपनी बोल देंगे ठीक है भाई बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं सपोज फॉर एग्जाम्पल ड्रीम इलेवन चालू होता है फर्स्ट मे टू थाउजेंड फिफ्टी को तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि तू कंपनी से एक दो हज़ार तेरह के हिसाब से बनाए क्योंकि कंपनी से एक दो हज़ार तेरह आ गया उसके बाद दो हज़ार पंद्रह में तू बना मतलब जो तू बना है वो तो इस कंपनी जैक के हिसाब से बना है वेरी सिंपल सर प्रॉब्लम ये हो गई कि जो कंपनीज थी जो हमने चैप्टर नंबर थ्री बी के में पढ़ा हुआ है टाटा 1868, सिक्सटी एट एस बी आई एटीन जीरो सिक्स एल एन टी नाइनटीन थर्टी एट एंड सो मैनी ने फॉर कंपनी हो गया भारत का हो गया हम बात करते हैं ये एशियन पेंट्स ऑन सबकी नाइनटीन फोर्टी टू फोर्टी फाइव सारे सारे ये क्या ये क्या बोलेंगे सर हम कंपनीज एक्ट फॉलो नहीं करते हमने बोला ऐसा क्यों कंपनीज एक्ट क्यों फॉलो नहीं कर रहे बोले एज पर डेफिनेशन हम लोग कंपनी ही नहीं है अब हम लोग कंपनी ही नहीं है तो हम कंपनी से क्यों फॉलो करेंगे सर मतलब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट कंपनी किसको मानना पड़ेगा हमने जो चार सौ सत्तर सेक्शन बनाए हैं ये किसको मानना पड़ेगा तो बोलता है पहले पॉइंट में बोलता है कंपनीज इन कॉरपोरेट अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ तो मैं आपको इसका मतलब समझा रहा हूँ कि ये क्यों लिखा हुआ है आई टी सी उन्नीस सौ दस वो क्या बोलेगा सर मैं 2013 के हिसाब से पैदा ही नहीं हुआ तो मैं तो एज पर कंपनी दो 2013 कंपनी ही नहीं हूं अब जब मैं अब और अंडर एनी प्रीवियस एक्ट दो हजार तेरह के अंदर बनाओ या पुराने किसी भी कंपनी लॉ के अंदर बनाओ तेरे को करना पड़ेगा। सर पुराना मतलब था उसके पहले आपको नहीं पता होगा मैंने तो दोनों पढ़े हुए हैं नाइनटीन था उसके पहले एटीन था उसके पहले एटीन था बस इतना बहुत हो गया हाँ आगे का मुझे भी नहीं पता पैदा ही नहीं होता भाई तो 2013 के पहले वी हैड 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 दिस उसके 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 पहले 1913, उसके पहले 1882, उसके पहले वी 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 है मुझे यहाँ तक का पता है अब कहीं पे भी तो पैदा हुआ जैसे एग्जांपल लेते हैं ना आपने लाइक अगर मुझसे नहीं पढ़ा था आपको नहीं पता होगा इंडिया में कोई पढ़ाता नहीं है आई से पैदा हुआ था नाइनटीन में ठीक है 1910 के 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 अंदर आईटीसी आईटीसी पैदा पैदा हुआ, के पैदा होने के बाद आया जैक 1913. तो इसका कोई लेना देना नहीं उससे इसके पहले भी हैड, है एक्ट बना उसके बाद आपकी तो आप उस हिसाब से बने होंगे तो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से के अंदर बने।, आप में बने आपको मान लेंगे और आपको इजी

और अगर आपको ये नहीं पता कंपनी का तो आगे चैप्टर पढ़ने का सेंस ही नहीं बनता तो मैं ओपन किया आपके सामने एक बार फटाक से टेक थर्टी सेकेंड्स और ये पूरा का पूरा देखिए मैं वेट कर रहा हूं आपको हर एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए सर ईच एंड एवरी वर्ड दैट इज एटन ओवर देयर वेटिंग थर्टी सेकेंड पंद्रह सेकेंड और डन आई गेस टाइम अप लास्ट ट्राई कर सकते हैं कंपनी का डेफिनेशन आधा कच्चा पक्का भी चलेगा यस स्टार्ट करिए लास्ट कॉर्नर माशाल्लाह द गर्ल इन द कॉर्नर दीदी आप द ब्लैक वाली बीच में हा क्लॉस क्लॉज ठीक है एक लास्ट हां बोल छुप के बैठा हुआ है आराम से आराम से चिल ब्रो बैठ जा आराम से पढ़ बस वो चाहिए अपने को रिस्पेक्ट नहीं चाहिए बोल आंसर बोल टू क्लास ट्वेंटी चलेगा हाँ सही बोल रहे ठीक है हंड्रेड है, परसेंट तीन जैसे पूछा तीनों का आंसर राइट था हम आगे बात करें सर एग्जाम के क्वेश्चन के ऊपर आते हैं नाउ वी है समथिंग कॉल्ड फीचर्स ऑफ अ कंपनी मोटा मोटी जितने क्लास में बैठे सबको तीन चार तीन चार आते हैं किसी को मैं ऐसा बोलो कि मुझे आठ बता फट जाएगी सर ठीक है जो फैक्ट है वो है ठीक है एकदम क्लियरली बात करते हैं फेस टू फेस हमें ऐसा कुछ होना चाहिए कि हमें कोई रात को दो बजे उठा के पूछे ना कि भाई कंपनी के फीचर्स बता तो फट से बाहर आना चाहिए वैसे नहीं हाँ ये भी है हाँ ये भी है दिस इज आउट रेट गैम्बल ठीक है आपको सारे के सारे पॉइंट्स आने चाहिए एक सेकंड में मतलब सब बाहर निकलना चाहिए तो हम एक ट्राई करते हैं उसको याद करने का प्लीज ध्यान से सुनना एक स्टोरी बना के याद अली अली नाम रखते हैं ठीक तो है? है कोई कोई नहीं मा कसम ओके थोड़ा सा परेशान है फिलहाल परेशान हम हैं इसलिए हैं बिकॉज हमारी गर्लफ्रेंड का बर्थडे आ रहा है एंड मेकअप नहीं कर पा रहे क्या गिफ्ट परचेज किया जाए ठीक है not, uh, much, uh, sure, अली की मेरे पास आया थोड़ा टिप्स दो ना प्लीज मैंने कहा यार एक काम कर तू मोबाइल परचेज कर ले उसके लिए ठीक है द गर्ल विल बी मोर देन हैप्पी अगर उसको मोबाइल गिफ्ट करेगा तो, तो मैं ऐसा मोबाइल दे अली बोलता है सर थैंक यू आपने इतना अच्छा आइडिया मेरे दिमाग में तो आया ही नहीं मैं उसको मोबाइल ही गिफ्ट करता हूँ मैंने कहा चल ठीक है फिर दो दिन बाद उसका बर्थडे आया ठीक है अली भैया पहुंच गए मोबाइल को देखा उसने अली को देख के बोला ब्रेक अप। <laughs> अली ने मुझे फोन किया जो तीन चार वर्ड्स बोले वो तो मैं बोल नहीं सकता कि सर आपने ऐसा सजेशन दिया कि वो दीदी ने मतलब ऐसे देख के ब्रेकअप बोल दिया मेरी मेरी दीदी तो मैंने उससे पूछा कि भाई तूने कौन सा मोबाइल गिफ्ट किया था तो उसने बताया मुझे पता है एक मोबाइल आता था, था HTC करके सर कंपनी ब्रांड का तो सर मैंने वो एच ब्रांड वाला मोबाइल गिफ्ट किया था मैंने कहा छपरी मोबाइल मंजे तो एप्पल ही होता है या वन प्लस भी ठीक था सैमसंग भी ठीक था मैं तो बोलता हूँ चल छी सी कौन देता है भे बोले सर अब तो दे दिया ऐसा ऐसा ब्रेकअप वेकअप हो गया जो भी था हो गया हो गया मैंने कहा अभी छोड़ आ, आ मिलने अपन आराम से बैठ के बात करते हैं साथ में ग्लास में पानी पीते हैं और दुख को दूर करते हैं ठीक है तो अली अपने गर्लफ्रेंड के जहाँ पे था वहां से निकल गया ठीक है एकदम उदास उदास आ, मेरे घर पे आया एकदम ऐसे रो हो रहा था ठीक है तो मैंने उसको गया जाके वॉशरूम यूज कर ले मुंह धो ले थोड़ा फ्रेश फ्रेश हो जा थोड़ा अच्छा फील करेगा तो वो बाथरूम में गया ठीक है किया मुह धोया एंड फिर बाहर आया उत्ते में उसकी गर्लफ्रेंड का वापस से फोन आता है कि यार अली आई एम सो सॉरी ऐसा लड़की का आता नहीं है हमारे एग्जाम्पल में आया था सॉरी तो घंटा नहीं बोलती है ठीक है एग्जाम्पल में सब चलते काल्पनिक है ना तो दीदी बोलती है कि मेरी भी दीदी भाई सॉरी मुझे ऐसा मटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए था आई एम सो सॉरी तो वापस आ जा अपन पैचअप कर लेते हैं अब अली लड़का है नाक तो है नहीं चला भी गया बिल्कुल ऐसे वो सख्तगिरी नहीं है यानी ऐसा कैसे चला जाऊ में चला गया भाई दीदी ने बोला उसको कि यार पैचअप कर लेते हैं अली अपना थोड़ा फिल्मी स्टाइल का था थोड़ा बॉलीवुड मूवी ज्यादा देखता था तो अली उसको बोलता है यार एक शर्त पे मैं पैचअप करूंगा लड़की बोलते क्या शर्त क्या है अली बोलता है तू तो मुझे वादा कर अपन जन्म जन्म तक साथ रहेंगे फिल्मी स्टाइल ऐसा था शाहरुख खान अब लड़की मन में सोच रही है अबे इस जन्म का तो पता नहीं और तो पता नहीं कौन से जन्मों की बात कर करें पर ठीक है लड़की बोल देती है हाँ 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 जन्म जन्म तक साथ रहेंगे एंड उनका बेसिकली पैचअप हो जाता है ठीक है स्टोरी खत्म एंडिंग्स स्टोरी खत्म हो जाती है जो जो मैं बोला मैं बोलता हूँ बस अली का करेक्टर था एच टी सी का मोबाइल था वॉशरूम यूज किया था सर एंड वादा किया था जन्म जन्म के साथ का लिखता तो हूँ मैं उसको भी लिखता हूँ

Can sue, can be sued. Perpetual Take 30 seconds, देखो एक बार लिखेंगे उसको बाद में लिखने का तरीका बहुत बहुत अलग होगा अपना मतलब इसके अंदर हम सारे बनाने वाले हैं मोटा मोटी इंफ्रास्ट्रक्चर यही है Waiting 30 seconds, decode करो. आपको समझ में आ रहा है ये सारे points नहीं आ रहे? जल्दी तब तक मैं ऑनलाइन वालों को देख लेता हूँ अमन इन इंटर बट सर आई स्ट रिमेबर भारत एंड एप्पल एशिया के लूटा रिलायंस एंड टाटा बसला अरे अमन थैंक यू सो मच okay. बोला भाई होल्डिंग प्रॉपर्टी अब अभी होल्डिंग प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम हाँ सर यहां पे बस 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 बस, बस। हां सर स्टार्ट करते हैं जल्दी फीचर्स ऑफ अ कंपनी जो सीक्वेंस मेरा है उस सीक्वेंस में बोलोगे कभी नहीं बोलोगे ठीक हाँ है हाँ सर स्टार्ट करिए ओके क्या हग रहा है भाई बोल आगे बोल बोलता जा जी उसके बाद भी एक पॉइंट था आ, तीन खा गया तो पीछे दीदी इट फास्ट जी ठीक है स्पीड थोड़ा बढ़ना चाहिए मैम ऐसे सोच के नहीं बोल सकते तो फटाक से फ्लो में निकलना चाहिए आखिरी एक जन किसी लड़के को ढूंढो मैं हां भैया तू तू बे पीछे क्या देखता है हाँ और कौन ठीक है तारी भार है क्यों आपने मेरा सीक्वेंस छोड़ा वापस बोल रहा हूँ मेरा सीक्वेंस मत तोड़ना एक लॉजिकल तरीके से मैं आपको बता तो देख कैसा होता है आप मैंने स्टडी करी हुई है आप, आप शायद ना कराओ सपोज ये आपका ब्रेन है ठीक है सुनना सपोज दिस इज योर ब्रेन अब इसके अंदर जो आठ पॉइंट्स है ये ये आपने कैसे छोड़ कर रखे हैं एक, है, एक इधर है एक इधर है एक इधर है इधर ऐसे करके छोड़ कर रखा है और जब याद करोगे तो आपको अलग अलग कॉर्नर से उसको लाना पड़ेगा मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ इन आठों को एक साथ एक बॉक्स के अंदर ऐसे करके गिफ्ट करके प्लेस कर रहा हूँ फटाक से एक एक करके से बाहर आएगा पर देखो अभी भी ऐसे ही करना है नहीं एक यहां से बाहर आ रहा है एक यहां से बाहर है तो कर फिर वैसा कि फायदा क्या लेक्चर में बैठने का तो कुछ बता रहे हैं तो हेल्प यू टू लर्न द थिंग दैट वे ठीक है दीदी दी बोल जल्दी टॉपिक का नाम बोल जी जी, जी। जी इंडिपेंडेंट सेप्टी का चलेगा कोई बात नहीं प्रॉपर्टी है सो नेम फाइन फिर जी कॉपरेशन नहीं कॉमन सी। माशाल्लाह, ठीक है अब देख अपन ने ये जो बनाया है ये इसके अंदर हम बहुत कुछ लिखने वाले हैं बहुत कुछ मतलब इसी एक पेज के अंदर फीचर्स भी हो जाएंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज में तीन चार टाइप की कंपनीज भी हो जाएगी इसी के अंदर और बाकी सबका भी केसवा भी इसी के अंदर आ जाएगा तो आपको बताता नोटबुक इसको किस तरह से लिखोगे सुना ध्यान से लिखना मत अभी मैं, मैं बोलूँगा तब लिखना यू नीड टू टेक अ पेज लाइक दिस दो पेज बाजू बाजू में ये आपको बीच में पेज खत्म हुआ इसके अंदर इट विल गो लाइक दिस एल आई एच टी सी यहां पर जन्म जन्म का साथ क्यों लिखा है सर अपने विथ रिगार्ड टू लाइब्रिटी वाला पॉइंट उसके नीचे ऐसे तीन एरोज बनेंगे सर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ कंपनी टू ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी टू तो हम एल वाले पॉइंट के नीचे वो टाइप्स ऑफ कंपनीज भी लिख देंगे और उसी के अंदर ब्रीफ में उसका राइटअप लिख देंगे फिर जब हम टी पढ़ेंगे तो टी को भी दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा ट्रांसफर ऑफ शेयर्स प्राइवेट कंपनी में अलग होता है पब्लिक कंपनी में अलग होता है तो टी से नीचे बेसिकली ऐसे दो एरोस बनेंगे फिर जब हम आई पढ़ रहे होंगे आई के नीचे बेसिकली केस लॉ आ जाएगा सारे वाला ठीक है एंड बाकी सब में शॉर्ट शॉर्ट छोटा छोटा सा कुछ लिखने का होगा ज्यादा कुछ भी नहीं होगा तो ऐसे आपके नोट्स बनेंगे टॉपिक खत्म होने के बाद अभी से ही देख लें ऐसा पेज दिखेगा खत्म करने के बाद तो अभी आपको बेसिकली सिर्फ वो हेडिंग लिखना है जो मैंने लिखा है जिस तरह से एंड फिर आप उसका फुल फॉर्म लिख देते हैं और फिर उसको डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं जल्दी करिए सर जुबे जो भी अज्योति अवनी आ, दिया श्वेता त्रिशा ईशा ईशान जतिन जिज्ञाश्री कृष अक्षया प्रेरणा निधि सानिया सुजिता तनिष्का वरुण युवराज जय आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप भी exactly इस तरह से लिख रहे होंगे ऑल दो यू आर ऑनलाइन ठीक है एंड आपकी जो भी डाउट है प्लीज फरक से मैसेज करिए मेरे सामने बॉक्स ओपन ही है ठीक है

Starting now. एक नीचे आप लिखेंगे देख एक से दो मतलब निकलते हैं आप कुछ भी लिख सकते हो मतलब एक ही होता है या तो आप लिखेंगे आर्टिफिशियल लीगल पर्सन या फिर आप लिखेंगे आर्टिफिशियल तो लिख, लिख मैं होता तो लिखता आर्टिफिशियल लीगल पर्सन सिंपल है याद करना एक नीचे आप लिखेंगे आर्टिफिशियल लीगल पर्सन आप सिर्फ सिर्फा में लिख रहे हैं लाइबिलिटी एल के नीचे लाइब्रेटी आई के नीचे इंडिपेंडेंट सेपरेट लीगल एंटिटी इंडिपेंडेंट सेपरेट लीगल एंटिटी एच के नीचे होल्डिंग प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम होल्डिंग प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम से ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर्स या लिखो ना ट्रांसफर ऑफ शेयर्स सिंपल रखते हैं चीजों को ट्रांसफर ऑफ शेयर्स सी कॉमन सील सी वुड बी कॉमन सील नेक्स्ट आ तो एनी वे फुल में लिखा है अपन ने कैन सू कैन बी सूड और जन्म जन्म के साथ के नीचे परपेचुअल सक्सेशन

एक कंपनी स्टार्ट करें सर उस कंपनी के अंदर बेसिकली वी हैव थ्री मेंबर्स। हमने कंपनी चालू करी एंड इस कंपनी के अंदर शेयर कैपिटल नहीं है मतलब शेयर्स वेस्ट ऐसा कुछ भी नहीं है दिस इज अ कंपनी विच इज लिमिटेड बाय गारंटी सर मतलब ये तीन लोग सपोज नाम ए बी और सी रख लेते अपन ए ने एक वादा किया है वादा एक लाख रुपए का इसने दो लाख रुपए का और इसने रच से तीन लाख रुपए का सर पर कौन सा वादा ठीक है लिखता हूं यहां बी सी एक लाख दो लाख तीन लाख एंड दिस इज बेसिकली प्रोमिस प्रोमिस टू पे किसको और कब अगर मैं बात करूं कब की तो इट इज बेसिकली अपॉन दी डेथ ऑफ द कंपनी मतलब वाइंडिंग अप so, पे क्यों करेंगे जब आपकी लाइबिलिटीज आपके असर से ज्यादा होगी सर मतलब तीन लोगों ने कंपनी बनाई आज uh, 18th 2024, कम्णी बनाई ठीक है एटीन ऑफ फेबर टू इन तीन ने मिलकर कंपनी बनाई कंपनी लिमिटेड गारंटी और तीनों ने गारंटी दे रखी है एक लाख दो लाख तीन लाख का पर सर ये गारंटी है क्या गारंटी ये है कि आगे जाके खुदा ना खास्ता हमें अगर कंपनी को बंद करना पड़ा ठीक है मे बी बिकॉज ऑफ द ट्रेड डिप्रेशन रिसेशन या कंपनी लॉस मेकिंग है वॉट एवर इट मे बी अगर हमें कंपनी को बंद करना पड़ा तो जैसी कंपनी बंद करते हैं सबसे पहली चीज ये होती है कि सर आपके जितने भी असेट्स होते हैं उन असेट्स को बेचा जाता है असेट्स को ओपन करते हैं सेल ये सेल करने के बाद आपको पैसा रिसीव होता है उस पैसे से अपन पे ऑफ करते हैं लाइब्रिटीज को हर कंपनी में यही होता है सर कोई एक्सेप्शन नहीं है कि जब भी कोई कंपनी बंद होती है हम उसके जो, जो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं सपोज ये क्लास है एक्स एक्सप्रेसिड क्लास है ठीक है इससे एक्सप्रेसिड क्लास है अब हमको इस एक्स एक्सप्रेसिड क्लास को बंद करना है तो हम सारे ए सीज सेल करेंगे ठीक है लाइट वाइट जो भी है ये कंप्यूटर दिख रहा है आपको ये टेबल दिख रही है चेयर दिख रहा है बेंचेस दिख रहे हैं इन सबको हम बेचेंगे ये सब बेच बेच के हमको से बीस लाख रुपए मिल गया अभी बीस लाख रुपए से हम लाइब्रेटी पे करेंगे सर कौन सी लाइब्रेटी इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया आपका जो प्रिंटिंग कॉस्ट हूँ हम आपको नोट फोट देंगे अभी आ, उसका खर्चा हो गया ये सब कुछ पे ऑफ करने के बाद अगर सब कुछ सेटल हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया है सर पर सर ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके जो असेट्स थे वो असेट्स की कीमत थी दस लाख और आपकी जो लाइबिटी थी सर उसकी कीमत थी तेरह लाख तो अब तो वाट लग गई ना अट बेच के दस लाख रुपया मिलेगा लाइबिटी का तेरह में से दस चुका दूंगा अभी भी तीन शॉर्टफॉल पड़ जाएगा वो तीन शॉर्टफॉल भरने के लिए इनके वादे के ऊपर आ जाएंगे सर तो आपको अब तक इतना ही समझ में आना चाहिए कि सर ओके टू क्लॉस ट्वेंटी वन डेट इज कंपनी गारंटी के अंदर जो कंपनी के मेंबर्स हैं उन्होंने गारंटी दी है प्रॉमिस मतलब वादा मतलब गारंटी गारंटी क्या दी है कि अगर फ्यूचर में कभी कंपनी बंद हुई

केस नंबर वन सर असेट्स थे दस लाख के लाइबिटी थी नौ लाख की सपोज तो एक लाख बच गया ये एक लाख ऑब्वियसली ए बी और सी ले जाएंगे वन इशू टू थ्री के रेशियो में खत्म बात सर केस नंबर टू लेते हैं दस लाख और यहाँ पे तेरह लाख जो हमने अभी बनाया था यहाँ पे शॉर्टफॉल है तीन लाख का तो ए बी और सी एक लाख दो लाख और तीन लाख के रेशियो में पैसा लेकर आएंगे और पूरा तीन लाख जो बच गया वो भी पे ऑफ कर देंगे आगे सर दस लाख एंड सोलह लाख माइनस छह लाख ए को पूरा एक लाख लाना पड़ेगा बी को पूरा दो लाख लाना पड़ेगा सी को पूरा तीन लाख लाना पड़ेगा और ये भी हम पे कर देंगे खुदा ना खासता ऐसा सिचुएशन हो गया यहाँ दस लाख और यहां उन्नीस लाख तो बोलता हूँ थोड़ा तो एक्सट्रीम ना करके मैं सिक्सटीन पॉइंट फाइव लाख बच गया माइनस सिक्स पॉइंट फाइव ए एक लाख बी दो लाख सी तीन लाख छह लाख पे कर दिया हमने ठीक अभी तुम एक काम करो यार ए तुम तो एक काम कर तू दस हजार दे दे बी तू बीस हजार दे दे और सी तू भी बीस हजार दे दे तुमने इतने रुपए दे दिए तो दस बीस हजार और दे दे ए बोलेंगे घंटा हमने वादा किया था, ए ने लाख का दिया, बी ने वादा किया था लाख का दिया सी बनने वादा किया था तीन का दिया। अगर कंपनी बंद हुई तो हम अपनी जेब से इतना देंगे अ कॉन्ट्रैक्ट तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट ही काम कर रहे ना उसके ऊपर का जो भी होगा डेट्स सामने वाले के लिए डेट्स अब क्योंकि मैंने ऐसा बोला कि सर हम एक लाख दो लाख तीन लाख के ऊपर एक भी रुपया नहीं देंगे वहां से हमारा वो लैंग्वेज डिराइव हुआ लाइब्रिटी लिमिटेड बाय गारंटी कितना लॉजिकल है सर आपकी लाइब्रिटी लिमिटेड है आपने जो गारंटी दी थी उतना उसके ऊपर नहीं देने का दैट इज एक लाख दो लाख तीन लाख मेरे एग्जाम्पल के अंदर ईजी लगना चाहिए भाई बहुत ईजी लगना चाहिए तो कंक्लूजन तो इतना ही है ये तो नॉलेज के लिए था आपको एग्जाम के लिए तो इतना ध्यान रखना है कि सर टू प्लस ट्वेंटी ने अपना गारंटी जब कंपनी बंद होती है उस टाइम पे मेंबर्स पैसा देते हैं सिर्फ उतना ही जितना उन्होंने वादा किया होता है इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना कुछ भी नहीं 222 के ऊपर आते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स वो क्या बोलता है सर सपोज वेवर कंपनी लेट्स से एमआरएफ की बात करते हैं सामने दो मेंबर्स हैं इसके कोई भी दो रहते हैं रैंडमली एक ये भैया एक ये भैया अब एमआरएफ ने बेसिकली दोनों को शेयर इशू कर रखे हैं एक एक शेयर ठीक है सिंप्लिसिटी के लिए एक शेयर इसके पास है एक शेयर इसके पास है वो एमआरएफ के शेयर का फेस वैल्यू था दस रुपया इस दस आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉल के अंदर इस दस रुपए के ऊपर उसने पहले किया फर्स्ट कॉल दो रुपए का ये भैया ने पे करा ये भैया ने पे करा फिर कंपनी में, में मंगाया सेकंड कॉल बेसिकली लेट्स से फाइव का ये भैया ने पे करा ये भैया ने पे करा फाइनली कंपनी ने मंगाया फाइनल कॉल कितना बचा तीन रुपए तीन रुपए का ये भैया ने पे करा इसने पे नहीं किया और शेयर दोनों के पास जो शेयर है वो शेयर की कीमत है दस रुपए जिसपे फर्स्ट वाले ने दे दिया पूरा दस रुपए और नीचे वाले ने दिया सात रुपए सर मेरे पास जो शेयर है उसकी कीमत दस रुपया जो पैसा दिया उसके सामने दैट इज सात रुपया अब जो तीन रुपए है वो ऑब्वियसली तेरी लाइब्रिटी है पे करने की तू कंपनी का मालिक है मालिक क्यों मेरे पास कंपनी का एक इक्विटी शेयर है मतलब मैं कंपनी का मालिक मेंबर तो मेरी लाइब्रिटी सिर्फ उतना ही पैसा देने की है जितना शेयर मेरे पास पड़ा है उसका जो अनपेड वैल्यू है जो मेरे एग्जाम्पल में इट इज थ्री रुपीज तो एज अ मेंबर मेरी लाइब्रेटी इज ओनली थ्री रुपीज जितना अनपेड है उस शेयर के ऊपर जैसे मैं तीन रुपए दे दूंगा मेरी लाइब्रेटी अब कुछ भी नहीं है जीरो कंपनी मुझसे एक रुपया मंगाएगा एक रुपया मैं रिप्लाई करूंगा घंटा क्योंकि टू क्लॉस ट्वेंटी टू बोलता है के अंदर के भाई हैं और उनके ऊपर ना, तो ना तो देगा बट देस टू ट्वेंटी टू के अंदर बिग डिफरेंस सर क्या बार बार बोला था मैंने जानबूझ के पहले भी टू ट्वेंटी वन के अंदर आपसे पैसा मंगाएंगे सिर्फ कंपनी की मौत पे टू ट्वेंटी वन, टू के अंदर आपसे पैसा मंगा सकते हैं कंपनी जिंदा है तब भी और मौत हो रही है तब भी डिफरेंस लॉजिकल समझना शेयर की जरूरत है करने के लिए। तो कंपनी ने कॉल किया जब कंपनी बंद हो रही होगी तब तो मंगवा ही सकते हैं वैसे भी किस दस रुपए का शेयर तो खाली सात रुपए बचे हुए तीन दे तो कंपनी लिमिटेड आपको सिर्फ इतना पता रखना है कि सर मेरी एस ए में लाइबिलिटी है सिर्फ अनपेड वैल्यू ऑन शेयर्स की पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट सर मुझसे पैसा मंगाया जा सकता है कंपनी जिंदा है तब भी और कंपनी मर रही है तब भी इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना आपको इतना सिंपल है एंड द लास्ट वन दैट वी हैव इज 292 दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी सर वो क्या बोलता है आई थिंक द नेम सर इज सजेस्टिंग कि आपकी लायबिलिटी के ऊपर कोई लिमिट नहीं है मतलब सर अगर मैंने मार्केट uh, से बेसिकली लोन ले रखा है और मैं उसको रीपे नहीं कर पाता तो सामने वाला आके मेरे कंपनी का एसेट्स बेचेगा पक्की बात सर उसका पैसा रिकवर नहीं हुआ कोई बात नहीं सर मेरे घर पे आ जाएगा मेरी गाड़ी बेचेगा स्कूटर बेचेगा मेरा घर बेचेगा शायद मुझे बेच देगा जब तक पैसा रिकवर नहीं होता अपन बेचता रहेगा दैट इज अनलिमिटेड कंपनी क्वेश्चन सुना मेरा लेट्स से आप एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हो और आपके सामने तीन ऑप्शन है टू ट्वेंटी टू अपने को किसी पागल कुत्ते ने काटा कि 292 करने का सोचेंगे बट लोग करते तो है ओपन बिकॉज अपने सिलेबस में तो दिया हुआ है टाइप ऑफ कंपनी डेफिनेटली विच इज अनलिमिटेड लाइब्रेरी कंपनी तो कोई अनलिमिटेड लाइब्रेटरी कंपनी क्यों ही ओपन करेगा एनी वन यस सर हाँ सर राइट है सर मेरे को झिकझिक नहीं पसंद मैं बैंक के पास जाऊँ बैंक बोले ये सबमिट कर वो सबमिट कर ऐसा कुछ नहीं हम जाएंगे लोन लेंगे हमको तुरंत मिल जाएगा क्यों क्योंकि सामने वालों को पता है क्या कि किसी ने पैसा रीपे नहीं करा मैं इसे घर भी जा सकता हूँ तो जस्ट इमेजिन योर सेफ एज अ बैंक आपके सामने दो लोग आए एक ही लाइब्रेटी लिमिटेड है एक ही अनलिमिटेड है आप उसको पैसा देना प्रेफर करोगे जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है क्योंकि उसके तो आप घर भी जा सकते हो रिकवरी करने के लिए कितना सिंपल थोड़ा लंबा लाइन करना चार पांच लाइन छोड़ के और फिर ऐसा एरो बनाना तीन बनेंगे एक में लिखेंगे आप टू ट्वेंटी वन एक में लिखेंगे, 292, एक में लिखेंगे 292. जल्दी करिएगा सर टू ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी टू एंड टू नाइंटी टू नाम नहीं लिखे ऑलरेडी इंडेक्स में लिखा हुआ है तो आपस नाम लिखने की जरूरत नहीं है आप सिर्फ नंबर्स में बात करेंगे टू ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी टू एंड टू टू एल के नीचे तीन एरोस बने हम आपको ट्वेंटी वन के अंदर लिखवा रहे हैं स्टार्ट राइटिंग नाउ एकदम शॉर्ट में लिखेंगे जितना आपको आना चाहिए उतना ही कोई आसपास का टाइम पास नहीं द लाइब्रेटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड द लाइब्रेटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड द लाइब्रेटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड ओनली अप टू ओनली अप टू अमाउंट गारंटीड बाय दे अप टू दीड बाई दे अपू दीड बाय कोड अपॉन वाइंडिंग अप टू बी पेड अपॉन वाइंडिंग अपना तो लिखना है सबको समझ में आ जाएगा बाद में टू ट्वेंटी टू 222. The liability of the member is limited. The liability of the member is limited only up to the unpaid amount on the shares, only up to the unpaid amount on the shares held by him. Only up to the amount of shares held by him. Full stop. It may be called upon, it may be called upon either during company's lifetime, it may be called upon, it may be called upon, be called upon either during company's lifetime or upon winding up. It may be called upon during company's lifetime or upon winding up. Bajume, 292. There is no limit on the liability of the members. There is

एस टी ए के दाव पे लगे हुए हैं इवन दी पर्सन आर एट स्टेक फुल स्टॉप बस इतना ही पता होना चाहिए बस आपके सामने एक डेफिनेशन बोलता हूं सुना ध्यान से प्रोसेस करने की ट्राई करना मैं आपके हाँ पे आपके सामने ओपन भी करूंगा उसको बाद में आप वहां से ही पढ़ सकते हो और फिर मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा हंड्रेड परसेंट अटेंटिव एंड कॉशियस सर डेफिनेशन किसकी बोल रहे हो आप मैं बोलो फॉरेन कंपनी की पहले बात करते किसी से लेट मी स्टार्ट विथ दीदी हाँ आप पीछे वाली बेंच मैम फॉरन कंपनी का डेफिनेशन बोली जल्दी से नाइस nice. नाम क्या बहन आपका श्रेया ठीक है हाँ सर डेफिनेशन बोलिए जल्दी बोलना भाई नाम बोलते बोलतेरा रुद्र ओके थैंक यू दो जन और रैंडमली पूछना ठीक है रैंडमली दीदी ब्लू वाली ओ मुंबई इंडियंस से, से बात कर रहा हूँ बीच में जो बैठी है वो बीच में बीच में बैठी है वो हाँ आप नहीं अब्बा डब्बा जब्बा नहीं दीदी बोल रही बोल रही बोल हाँ दीदी बोल सही बोल रही है तो बोल ठीक है फोर्टी परसेंट ऑफ दड़ फैश आपने बोला दीदी नाम सपना थैंक यू एक और आखिरी लड़का इस आई एम फाइंडिंग हाँ सर बोलिए आपको आता आना चाहिए करेक्ट, नाम बोलिए सर। शवन श्रेया शवन हाँ सर मैं बोलता हूं सेक्शन टूट फोर्टी टू की बात करें फॉर कंपनी फॉर्न कंपनी इस और बॉडी कॉपो इंपॉर्ट ऑफ इंडिया हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया एन एजेंट फिजिकली इलेक्ट्रॉनिकली एंड एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर

एज पर सेक्शन थर्टीन अ फॉरन कंपनी इज कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट विच इज इन कॉरपोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैज प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाई इट्स एजेंट फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली एंड कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इंडिया इन एनी अदर मैनर ओपन कर दो आपके सामने पढ़िए उसको अपन बात करेंगे पाँच मिनट के बाद जब मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा ओके वी गो आप क्या जूम इन भी कर लेते हैं आराम से पढ़िए लिखना मत कुछ भी सिर्फ रीड करना है ऑब्जर्व करना है सुमर करो लिखना मत कुछ भी अगेन आई एम सही वेटिंग टू मिनट्स फोकस मैटार्स इसको नोटबुक के अंदर चार कॉलम बनेगी ऑफ इक्वल साइज कवरिंग टेन लाइंस मेक इट वेरी फास्ट हेडिंग वर्क ऑब्वियसली फॉरेन कंपनी टू क्रॉस फोर्टी टू जल्दी करिएगा सर फोर कॉलम्स कवरिंग टेन लाइन्सरी सिंगल पेज सिंगल पेज डबल पेज होगा मैं सामने से बोलूंगा ना सिंगल पेज I'm ready. Heading's here, मैंने उसको भर रहा हूं आप लास्ट कॉलम भरोगे पहली तीन कॉलम मैं भरूंगा डिस्कशन नहीं खुद का दिमाग लगाइए और फिर अपना आंसर लिखना पेंसिल से लिखना बिकॉज आप हक नहीं वाले हो सर इट्स बेटर कि की उसको बाद में ठीक कर सकें इट्स बेटर एडवाइजेबल कि आप जो अपना आंसर लिखेंगे वो पेंसिल में लिखेंगे विच इज द थर्ड लास्ट कॉलम फोर्थ कॉलम मैं मेरा क्वेश्चन बनाना शुरू करता हूं बहुत सादा दिमाग लगाकर केस नंबर वन बात नहीं फॉर श्योर sure. गया सर आठ केस ही बन सकते हैं थ्री फैक्टोरियल थ्री इंटू टू इंटू वन सिक्स और दो कॉन्स्टेंट्स दुनिया में आठ ही केस बन सकते हैं ठीक है नाइन केस बन ही नहीं सकता मैं सारे आठ केस बना रहा हूँ आपके लिए एक केस बच गया जो मैं सोच रहा हूं आई गेस इंडिया इंडिया पाकिस्तान बच गया जी सर सारे केस बन गए, आप नाइन्थ केस बना ही नहीं सकते एज पर मैथ्स पॉसिबल ही नहीं है क्या हुआ जोर से बोल अभी लगाता हूं हाँ लॉ तो सीख लू इंडिया इंडिया पाकिस्तान डन सर केस इज नॉट पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड आपको लास्ट को बेसिकली सिर्फ लिखना है कि फॉरन कंपनी है या नहीं है टिक और क्रॉस मारने सिर्फ दैट इज इट हम बात करेंगे एग्जैक्ट पांच मिनट के बाद आपका इशा, बात नहीं, वापस बोल रहा हूँ कोई फायदा नहीं सर बात करके एग्जाम में खुद ही पेपर लिखना है ऑनलाइन मेरे पास ईशान का आंसर आ गया ओके थैंक यू वेटिंग फॉर दर्स दोस्त ऑनलाइन युवराज वरुण तनिष्का सानिया प्रेरणा निधि अक्षय कृष जतिन जय ईशान जल्दी मेरे पास ईशान का आंसर है जूम पे सानिया का सानिया एक साथ आंसर टाइप करना प्लीज दोन ऑन ट्यूब वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज मेक इट वेरी फास्ट दो मिनट और वेट कर रहे हैं। टू मोर मिनट्स हाँ कुछ ना कुछ काम कर Thank you. सर ऑफलाइन तो मैंने चेक कर लिया बेंच बेंच में जाके सबका ऑनलाइन के एक बार आंसर चेक करते हैं में आंसर है ईशान का जिसका एक रॉन्ग है सानिया का जिसका दो रॉन्ग है सुजिता तीन रोंग है निधि दो रोंग है वरुण दो रोंग है युवराज तीन रोंग है अक्षय तीन रोंग जय अगेन रॉन्ग है ओके okay. स्टार्टिंग नाउ आंसर्स पे आते हैं सर आंसर थे राइट जब पहली बार में राइट हो गया तो उसके बाद करते हैं पहली बार में किसका राइट था एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह ठीक है बाकी लोगों से बात करते हैं इनसे ही बात करेंगे पहले बाकी लोगों से बात करते हैं एक बात समझ डेफिनेशन को पढ़ना मेरा डेफिनेशन का बोलना एंड आपका इसको कर पाना समय बहुत फर्क है सर आपने अब तक जो किया था आपके जो भी पास क्लासेस थे उसके अंदर आपने डेफिनेशन को पढ़ा आपका जो भी महान फैकल्टी को उसमें को पढ़ाया एंड चीज़ें आगे बढ़ गई ठीक है फिर अपन इस पर आते हैं और फिर अपन हक देते हैं डेफिनेशन पढ़ना एंड समझना में जमीन आसमान का फर्क है सर डेफिनेशन का पहला इन बोल रहा है फॉइंट कंपनी इज अ कंपनी विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया इसका मतलब ये निकल के आता है सर ये पढ़ूंगा भी नहीं आगे ये पढ़ूंगा भी नहीं आगे ये पढ़ूंगा भी नहीं आगे और ये मैं आगे पढ़ूंगा भी नहीं वो तो इंडिया में इनकॉपरेट हुआ ना तो पहला पॉइंट ही ही पहला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ फिर आगे बात करते सर हैज़ प्लेस ऑफ़ बिजनेस इन इंडिया एंड लिखा है में, in in भी भारत में होना चाहिए। जो आप कर रहे हो वो ऑब्वियसली भारत में ही होना चाहिए तो कितना उसके बाद फिफ्थ वाले के अंदर तो सब कुछ ही रॉन्ग है और लास्टली सेवन तो है तो कौन से वाले सेक्शन में कौन सा रॉन्ग है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया पिंक कलर से सो यू कैन नो सर उस रीजन की वजह से वो फॉरेन कंपनी नहीं है एंड केस के अंदर जो रिक्वायरमेंट थी सब कुछ फुलफिल हुआ तो फॉरेन कंपनी है मतलब तो मुझे सिर्फ इतना ध्यान रखना है जिससे ना माननी पड़े इस सर पैदा बाहर हुआ धंधा करने का जगह इंडिया में और जो भी धंधा कर रहा करो ऑब्वियसली वो इंडिया में ही कर रहा हूँ वो मैं किसी भी तरीके से कर रहा हूँ समझने के लिए सर हमने बोला आइदर बाई इट्स ऑथर एजेंट इसका मतलब चल लेट्स से आई एम बर्गर किंग मेरे पास ऑप्शन में बन के आए कि सर मैं इंडिया में आऊँ और बर्गर किंग की दुकानें खोल दूँ अलग 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 जगहों पर और मैं अपना बर्गर सेल करूँ ये हुआ कि सर आप आए खुद इट्स सेल्फ आइदर थ्रू इट्स सेल्फ या फिर सर आप खुद नहीं आए आपने स्मॉल स्केल पे पहले आ, सोचा कि सर लोगों का टेस्ट चेक करते हैं तो आपने कुछ लोगों को भेजा यहाँ पे विदाउट द ब्रांड नेम और ऐसे बर्गर की दुकान सेट करी और वहां पे हमने सेम बर्गर सेल करना सेल करने का ट्राई किया ये देखने के लिए कि लोगों को हमारा टेस्ट कैसा लगता है अगर पॉजिटिव हुआ तो दुकान लेकर आ जाएंगे नेगेटिव हुआ तो बंद करके चले जाएंगे वैसे हम बर्गर के नाम से ऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं तो कुछ भी एक्सप्राजी नाम से धंधा कर रहे हैं सिर्फ चेस्ट टेस्ट करना है हमको तो क्या लोगों को भार है कि नहीं भारा दैट इज थ्रेट एजेंट तो या तो मैं खुद आऊँ या मेरे एजेंट को भेजूँ धंधा करने के लिए या फिर सर यहाँ पे आके दुकान खोलूँ दैट इज फिजिकल मोड में या फिर फेसबुक की तरह ऑनलाइन धंधा करूँ

पॉइंट नंबर फाइव की बात करते हैं उसको पढ़ के ऐसा लगता है कि फॉरेन कंपनी है और फॉरेन कंपनी नहीं है वो कंपनी नहीं है एज पर कंपनी से दो हज़ार तेरह सर क्यों जस्ट इमेजिन कंपनी कॉल्ड एक्स वाई एड जो पाकिस्तान में पैदा हुई पाकिस्तान में धंधा कर रही है सब सामान वाम पाकिस्तान में बेच रही है उसको जाकर मैं ऐसा बोलूँ ब्रो एक काम कर तो इंडिया के कंपनी से फॉलो कर गोली से उड़ा देगा मेरे को पाकिस्तान की बात कर रहे हैं बंदूक से उड़ा देगा मेरे को मैं नहीं बोल सकता उसको क्योंकि उसका इंडिया से कोई लेना देना ही नहीं है सर लेना देना किसका होगा जब पैदा बाहर से हुए तब आपको फॉरन बोल रहे हैं पर आप धंधा इंडिया में कर रहे हो तो आपको इंडिया का कानून मानना पड़ेगा अदर इसमें आपको कैसे बोल सकता इंडिया का कानून के लिए तो ऑल वी नीड टू नो डेफिनेशन सकते ओपन कर रहा हूं अब आपको हर एक वर्ड समझ में आएगा उसका डेफिनेशन का जो हम बेसिकली चाहते हैं आपको पढ़ाना इट मीन एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट मतलब एंटिटी ठीक है इट मीन एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इन कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया विच

एक मिनट ऑनलाइन नोट रहा करो हम्म बोल अब तो बने ही ना अब तक तो धंधा कैसे करें अपन या तो फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली आगे जाके कुछ भी तरीका आ धंधा करने का कि मैं नहीं आ रहा मेरा एजेंट भी नहीं आ रहा कोई और आ रहा है तो कुछ भी कर हम देखो फॉरन कंपनी तो बोलते हैं किसी बना सब कुछ कवर लिया उसके अंदर इन एनी अदर मैटर वेटिंग वन मिनट मोर

तो पैसा लेकर आ गया उसका ही सेट हो गया एम ईपीएल एम मैं नाम सुना कभी नो आइडिया थर्टी सेकेंड्स मोर टाइम अप आई गेस को हटाया मैंने हां शायद दीदी शुरू करते हैं कह गई हां दीदी शुरू करते हैं पहले सेक्शन का नंबर नीचे क्या दिखती है बे सॉरी ओके नाउ द आंसर डेफिनेशन बिना नीचे देखे सांस ले सांस ले सांस ले पानी पी ले हाँ, हाँ। सांस लेने भूल गई पागल रुद्र से बात करते हैं रुद्र जी कहां पे हाँ सर ट्राई करिए आराम से धीरे धीरे India, Very good. बोलता जा बोलता जा सबको इग्नोर कर तेरा बोल तू बी सेल्फिश बोल जितना उतना बोल दो वापस आता हूँ ठीक है सोच के रखता सपना दीदी हाँ दीदी शुरू करते हैं पानी पी लें हाँ श्रवण जी कहां पे हाँ सर आगे वाली बहन आगे वाली दीदी हाँ दीदी टू बिजनेस एक्टिविटी माँ अजय दीदी सांस ले ले हाँ लड़की को ढूंढ रहा हूं हाँ भैया बोलेगा okay. बोल okay. सही बोल रहा था भाई सेल्फ वेरी गुड हाँ सी एस के वो येलो वाली दीदी तू तूने पहना येलो के बाजू बाजू देख रही है पागल लड़की बोल जल्दी माशाल्लाह इतना फ्लुएंटली एकदम परफेक्ट नाइस कहेंगे दीदी? दीदी आता था आपको पहले ऐसा एकदम परफेक्ट माशाल्लाह जैसा नहीं नाइस जो भी है अभी दो जन बच गए बाद में बात करते हैं उनसे आई थिंक श्रवण भैया और सपना दीदी सपना दीदी ने बोला सॉरी शक्तिमान वो दीदी चप्पल उठाकर फेके फाट करके सॉरी ब्रो सब होता रहता है हाँ यहाँ पे फोकस करते हैं

होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन बहुत ज्यादा टट्टी है डेफिनेशन में लिखा हुआ है सर होल्डिंग कंपनी वो होती है इसकी सब्सिडरी कंपनी होती है क्या बोलू मतलब मैं ठीक है फिर सब्सिडी कंपनी का डेफिनेशन को बहुत अच्छे से बनाना पड़ा और उसने बनाया इतना अच्छा बनाया कि एक पेज का डेफिनेशन बना दिया बोलो ठीक है डिस्कस करते हैं पहले बहुत इजी क्वेश्चन आते थे सेक्शन में से अब डिफिकल्ट क्वेश्चन बना शुरू हो चुके हैं तो आपको सीधा डिफिकल्ट क्वेश्चन ही करवाएं डिफिकल्ट का डिफिक्ट आप करवाएंगे तो पहले एक बार डेफिनेशन समझने की ट्राई करते हैं

फिर और बहुत सारे लिखे हुए हैं हम एक ही करके डिस्कस करते हैं पहले डायग्राम बनाते हैं डायग्राम देख लेना बाद में आपको आपकी टाइम देंगे आपको यहाँ पे आते हैं हम बोल रहे आपको एक एच लिमिटेड बनाया फॉन्ड में थोड़ा सा बड़ा बिकॉज वो ताकतवर कंपनी है और हमने यहां पे बनाया थोड़ा छोटू सा दबा हुआ कंपनी है दिस इज ऑब्वियसली टू फोर्टी सिक्स एंड 287 एंड जो मेरा टॉपिक है दैट इज टू एवन ओके अब इसके अंदर आपको ऐसा बोल रहे हैं कि सर यहां से यहां पे ऐसा एक एरो है ये सब क्लॉस वन है तो हमने यहां पे ऐसे सब क्लॉस वन बनाया और वहां पे लिखने की ट्राई करी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ पोर्ड ऑफ मतलब क्या होता है पता नहीं डिस्कस नहीं करा हमने आगे और यहां से यहां होल्ड्स कंट्रोल्स भी लिख सकते हो दोनों का मतलब एक ही होगा समझने के लिए कॉपी करो फिर बात करते हैं दो मिनट के बाद मेक इट वेरी फास्ट जल्दी से कॉपी करिए वेटिंग बनाया वहां पे एक सेकंड

टाइम ऑफ आई गेस यहाँ पे सर समय की करते हैं तो खाली डायग्राम बना के छोड़ दिया जो आपको बाद में काम आएगा रिविजन में हम बात करते हैं फर्स्ट एरो की कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब समझते हैं डायग्राम खत्म है आपको कोई ड्रॉ नहीं करना है आपको सिखाने के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एस लिमिटेड के अंदर वी बेसिकली हैव फाइव डायरेक्टर्स ये सारे के सारे डायरेक्टर्स हैं कंपनी के इन पांच में से तीन या चार या पांचों को अपॉइंट या लास्ट के निकालने की ताकत एच के पास है सब फर्क क्या होगा एक बात समझ कंपनी के जो भी रूटीन डिसीजन होते हैं डे टू डे वाले डिसीजन होते हैं वो सारे सारे डायरेक्टर्स लेते हैं ऐसा अपन भी नहीं रूटीन बिजनेस के सारे डिसीजन डायरेक्टर्स लेते हैं अब एस में जो भी डिसीशन लिए जा रहे होंगे वो सारे के सारे डायरेक्टर्स ले रहे हैं और उन डायरेक्टर को अपॉइंट या रिमूव करने की ताकत एच के पास है तो इन डायरेक्टली एस में जो भी हो रहा है एच तो डिसाइड कर रहा है क्योंकि पांच में से तीन डायरेक्टर या तीन से ज़्यादा डायरेक्टर को मैं अपॉइंट या लात मार के रिमूव कर रहा हूं तो एस के अंदर जो भी हो रहा है पूरा मेरे कंट्रोल में है दैट इज द फर्स्ट हाफ टू क्लॉस एटी सेवन का सब क्लॉस वन लेट्स कम टू पार्ट सब सर रूटीन बिजनेस की बात नहीं कर रहे बड़े बड़े डिसीजन की बात करें

आप इंटरप्रेट करोगे मैं तो आपके मुंह पे सीधा क्वेश्चन ही फेंकूंगा सर, और फिर देखते हैं आप क्या उखाड़ते हो, ठीक है? हियर वी आर बुद्ध डेफिनेशन आपके सामने होल्डिंग भी है जो नहीं पढ़ना आपको नहीं चलेगा सबसे आपको अच्छे से पढ़ना है बिकॉज मैं आपको करूंगा सीधा उसके ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट नाउ I'll wait two minutes. Thirty seconds more. आगे थोड़ा सा मतलब लिखा हुआ है कि वो कंट्रोल कंपोजिशन का मतलब क्या होता है मैं सिखा चुका देख कंपोजिशन ऑफ द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल बी डीम टू बीट्रोल बाईर अपनी मर्जी से और फिर एक लेयर दिया हुआ है uh, सैंडविच में लेयर होता है एक होल्डिंग कंपनी के नीचे एक सब्सिडी हो सकती है उसके नीचे एक और सब्सिडी हो सकती है

पढ़ते हैं वो लोग ठीक है हम उनको ही पढ़ाते हैं ठीक है उनका जो एग्जीक्यूटिव लेवल है मतलब लेवल टू उनमें सी एस होता है सी एस एग्जीक्यूटिव होता है और सी एस प्रोफेशनल होता है उनका जो एग्जीक्यूटिव आपका इंटर लेवल में एग्जाम में क्वेश्चन आया था इस डेफिनेशन के ऊपर हमारे इंस्टीट्यूट ने उस लेवल का क्वेश्चन कभी पूछा नहीं था कभी नहीं इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन अभी रिसेंट लास्ट ईयर की आर के अंदर उतना डिफिकल्ट तो नहीं

सी एस एग्जीक्यूटिव पास पेपर्स जून दो पेज नंबर 39 नाइन क्वेश्चन नंबर वन का डी क्वेश्चन वन डी आपके सामने क्वेश्चन है टेक फाइव मिनट्स जो भी आपने पढ़ा उसके ऊपर ही क्वेश्चन है कर पाते हो बहुत अच्छी बात है नहीं कर पाते अपन बैठा है टेक फाइव मिनट्स खुद से करना तो कोई सेंस बनेगा नहीं तो कोई सेंस नहीं है ईशान अभी ठीक है जूम आउट किया मैंने ईशान मेरे भाई जूम वाले भैया अभी ठीक है होपफुली अदरवाइज नहीं करूंगा मैं दो से पांच मिनट भाई मेक इट वेरी फास्ट हो जाता मुझे बताना हाथ रेस करके मैं आके चेक कर लेता हूँ सर ऑनलाइन में इसे हो जाता है जूम पे या यूट्यूब पे लेट मी नो सर प्लीज डायग्राम तो नहीं दे पाऊंगा मैं आपका बट आंसर जरूर देख पाऊंगा दो मिनट अवॉइड करेंगे सर सिर्फ one more minute eight minute or anyone with background or answer थर्टी सेकेंड्स होना होता है तब तक हो जाता है एनीवन जिसका हो गया हो डायग्राम या आंसर एक जन, दट इट बोरीवली ब्रांच के अंदर चार जन का हो गया था सर यहां पे मुझे एक जन दिख रहा है सर डेफिनेटली नॉट डन बताओ ये फर्स्ट का आंसर है सेकंड का आंसर है डायग्राम डायग्राम पे आते हैं। इससे थी, बिकॉज क्वेश्चन uh, बहुत ज्यादा हुआ था पी के ए इंडिया प्राइवेट पी के इंडिया कैपिटल था, ही नहीं हो सकता था क्योंकि नाम उसने बहुत गंदे गंदे दिए हुए वॉट एवर हम क्वेश्चन पे आते हैं सर बोलता है पेड कैपिटल ऑफ पी के इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इस बीस खोखा ओके कंसिस्टिंग ऑफ वन फिफ्टी लैक फुली पेड अपन ईच फालतु में उसने यहां पे गंदगी फैला दी करोड़ में बात करी बेवड़े लाख में क्यों बात कर रहा है नहीं बोलो करोड़ में करना तू बात तो ऐसा है तो तुम पे लिख दो हजार लाख ऐसा कुछ लिख या तो करोड़ में बात कर, लाख में बात कर में क्यों बात कर रहे जो भी है तो हमें लाखों करोड़ में करोड़ करना पड़ेगा वन फिफ्टी लाख बेसिकली मीन पॉइंट फाइव करोड़ तो वन पॉइंट फाइव करोड़ इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ टेन ईच मतलब बीस करोड़ में से पंद्रह करोड़ इक्विटी शेयर्स हैं सिंपल आगे बोलता है एंड फिफ्टी लाख फुली पेड अप क्यूमिटी प्रेफरेंस शेयर ऑफ टेन ईच पचास लाख के प्रेफरेंस शेयर ऑफ टेन ईच मतलब पांच करोड़ तो ठीक है मेरे पास ब्रेकअप एकदम रेडी हो गया सर के ओके वी हैव अ कंपनी नाम जो भी है उसका पी के ए इंडिया जिसके अंदर पेड अप शेयर कैपिटल इज इक्वल टू ट्वेंटी करोड़

हमको रुपीज में कन्वर्ट करना है बिकॉज हमें सब कुछ रुपीज में लिखा हुआ है तो मुझे फिफ्टी फाइव लैक को ना चाहते हुए रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा विच इज आई गेस फाइव पॉइंट फाइव करोड सब कुछ आएगा ठीक है तो देख इस पंद्रह करोड़ के अंदर बात करते हैं इसके ब्रेकअप की बात कर रहे हैं इसके अंदर सर होल्ड कर रही है दो कंपनी एक का नाम है पी के इंडिया कैपिटल में सी लिख रहा हूँ भाई सिर्फ एक सी और एक टी एक कैपिटल वाला होल्ड कर रहा है पचपन लाख मतलब फाइव पॉइंट फाइव करोड्स ठीक है और दूसरा वाला कर रहा है टू पॉइंट फाइव करोड़ ठीक है क्या तक तो समझ में आ गया पीके इंडिया कैपिटल मतलब सी एंड पीके इंडिया टेली मतलब टी आर सब्सिडरीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड मा कसम यहां पर वी हैव वन मोर कंपनी लॉर्ड कृष्णा ये और ये दोनों इसकी सब्सिडरी कंपनीज है और उसे मुझसे क्वेश्चन ये पूछा है बता भाई इसका और इसका नाता डांस है सब्सिडरी कंपनी का रिलेशन बन जाएगा सर क्यों देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लेयर्स का कुछ भी नहीं है यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर एक लाइन के आधे लाइन से क्वेश्चन बना है सर पांच मार्क का अब तो आपके सीए के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन आना चालू हो चुके हैं तो आपको हम पहले ही दिन पे प्रैक्टिस करवा रहे हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन की देखिए यहाँ पे फोकस कर ऑनलाइन करो मैं

कैसे आउट ऑफ एट आउटीन थ्री पॉइंटेज ठीक है तो देख इन टोटल तो 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 इक्विटी शेयर थर्टी थ्री विच इज मोर देन फिफ्टी परसेंट तो सर लॉर्ड कृष्णा अलॉन्ग विद्सिडीज अपनी सब्सिडीज के थ्रू किसी कंपनी के अंदर मोर देन फिफ्टी परसेंट होल्ड करता है तो ये कंपनी होल्डिंग कंपनी बन जाता है इस कंपनी का तो मेरा फर्स्ट का आंसर हो चुका सर क्वेश्चन पढ़ते ना एक रेफरिंग टू द पैराग्राफ की दो हजार एक्साम इन वेदर पी के इंडिया कैपिटल पीके इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आंसर है दूसरा वुड योर आंसर डी इफ लॉर्ड कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड फाइव आउट ऑफ सेवन डायरेक्टर्स ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ पीके इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नो आंसर विल नॉट चेंज इट विल स्टिल बी सब्सिड्री बट एक डिफरेंस है सर पहले इट वॉज इनडायरेक्ट सब्सिडी अभी डायरेक्ट हो गया ना पहले मैं किसी के थ्रू उसमें होल्ड कर रहा था तो सब्सिडी तो थी मेरी वो पर इनडायरेक्ट थी क्योंकि बीच में तो मेरी खुद की सब्सिडी आ गई थी बट अभी अगर सीधा मैं उसमें कंट्रोल कर रहा हूं तो डायरेक्ट सब्सिडी हुआ ना अब देख पांच मार्क्स का ब्रेकअप दिखाते हैं आपको तो मैं इस क्वेश्चन को इजी बोलता लाख और करोड़ में गंदगी निकालता तो मैं उसको बोलता इजी क्वेश्चन एवर आंसर पे आते हैं ये 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 देख आपको 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 एग्जाम में ऐसे लिखना होगा मार्क कैसे मिलते हैं बताता मैं सबसे पहले लिखा लिखा आपने डेफिनेशन इसका आपको मिलेगा बेसिकली एक मार्क। हमने ये लिखा है एंड सब क्लॉस टू और क्वेश्चन बनाया उसने, उसने के अंदर नीचे तो एक्सप्लेनेशन है आपको एग्जाम में नहीं लिखना होता चिल ये वो आपका यहां से लेके यहां तक का फैक्ट ऑफ द केस ठीक है फैक्ट ऑफ द केस और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका आपको मिल जाएगा अराउंड दो से तीन मार्क फाइनली आएगा कंक्लूजन सबसे इंपॉर्टेंट देख पढ़ते हैं दस इन व्यू ऑफ सेक्शन टू क्लॉस एटी सेवन सब क्लॉस टू जिस इमेजिन हमारे साथ जो एग्जाम देंगे

P.K.A. India Private Limited shall become an indirect subsidiary of Lord Krishna Limited. Dusra, even if Lord Krishna Limited would have right to appoint five directors out of seven directors in P.K. India Private Limited, even then answer would remain the same for the question of Lord Krishna Limited. However, under these circumstances, P.K. India Private Limited becomes a direct subsidiary of Lord Krishna Limited, as per the provisions of.

तो इससे वो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था जो आर में आया था हमको वो भी एनी वे करना ही है जो भी है पर अगर आपने ये कर लिया तो वो आपको एकदम टट्टी लगेगा फॉर ठीक है इससे डिफेक्ट क्वेश्चन नहीं बन सकता से हाँ कितने कंपनी में ओके तो उसमें से अगर दो को मैं अपन रिमूव करता तो सब्सिडी नहीं होता डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं सब्सिडी नहीं होता इट हैज टू बी थ्री और मोर देन थ्री तो अगर हम बात करें कवरेज uh, की तो आपने अब तक कर लिए ज्यादा पढ़ लिया अपन ने मस्ती मस्ती में पांच ही सेशन पढ़ लिया अपन ने बे ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू फोर्टी टू फोर्टी सिक्स एटी सेवन फीचर्स ऑफ कंपनी ज्यादा हो गया थोड़ा सा नाइस nice. आपका जो इंडेक्स है उसमें चार टिक मार दो जो हो गया उसको तो हमको और ट्रैक रहेगा कितना हो गया अपना छोटा सा पेंसिल से टिक क्या हमने ये 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 पढ़ लिया दोस्त ऑनलाइन आई एम एक्सपेक्टिंग आपको समझ में आ रहा है इट uh, स्पेशली जो जूम वाले हैं वो माई कैन सी यहाँ पे क्लियरली ज्योति अवनी सियोना दिया जो लोग बैठे हुए हैं श्वेता त्रिषा ईशा थम्स अप आ रहे हैं मेरे पास कृष्ण के जतिन अक्षय निधि प्रेरणा सानिया तनिष्का युवराज वरुण ओके, सबके ही आ रहे हैं। अक्षय ईशान सानिया वरुण ठीक है ओके यहाँ पे फोकस बार। इंडेक्स इंडेक्स ट्वेंटी भी तो हो गया पागल टिक्कर पहले पाल पे पानी पी एक सात सेशन हो गए क्या आपने मैंने छह गिने थे नहीं नहीं इसे सात टिक मारे हुए हैं अनलिमिटेड कंपनी भी तो हुआ हाँ सात सेक्शन हो गए रे नाइस डन आज सेक्शन फिर बस भगाने का क्या मतलब रे जितना पढ़े उतना अच्छे से पढ़ने का द लास्ट वन वुड बी एसोसिएट कंपनी पर वो करने से पहले ऑब्वियसली मेरे भर भर के क्वेश्चन सुना सर ट्राई करना खुद से करने का आपको पता पड़ेगा आप कितना पानी में हो ठीक है तो खुद से करना तो इट विल मेक सेंस दोज ऑनलाइन सेम अप्लाइज टू यू एज वेल सर क्या करें अपन मैच द फॉलोइंग बचपन क्या था फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड के अंदर इधर एक कॉलम इधर एक कॉलम ऐसा मस्त ऐसा लाइन मारने का कॉलम के बीच में लाइन मारने का अभी भी आपसे वही करवा रहे हैं uh, देखते हैं आप कितना सही कर पाते हो ठीक है खुद से करना सेकेंड टाइम बोल रहा हूँ आंसर करिए सॉल्व मल्टीपल ऑप्शंस के रहे हैं मल्टीपल आंसर्स एंड वाइस ए वर्सा मतलब ऐसा नहीं वन टू वन आंसर होगा मल्टीपल ऐसे एरो से बन सकते हैं अब कुछ भी बनाओ मुझे आंसर से मतलब है आप वेट कर रहा है दो मिनट मैच द फॉलोइंग मुझे एक वापस दे रहा हूँ मुझे खुद को आंसर निकाल घर घटा मार कर दो या घर से <laughs> <नहीं>। <laughs> ओके okay, मेरा आंसर हो गया डन विथ माय आंसर अब सर आपका हो जाएगा देश करना मैं आपका आंसर चेक करने आता हूं देखता हूं आपने कितना किलो हगा है सर. मेक इट वेरी फास्ट जो ऑनलाइन है जूम पे एंड ऑब्वियसली यूट्यूब यू ऑट टू बी मैसेजिंग मी फटाक से अजय दो रंग अच्छा पुराना मैसेज है पवती शाह सौ वन टू यस यस नो ओके ठीक है हाँ इसका आंसर मैं वेट कर रहा हूं एक सेकेंड यूट्यूब एंड जूम बोथ गिवी माइज द फॉलोइंग आंसर ईशान का आंसर आ गया

পাাদ যা মনে ত্যর challenge. capacity》asa how do you think? Ah. is a MANG. asa. Stop Wrong, <laughs> Stop wrong. Terima kasih telah <laughs> menonton! प्रेंग प्रेंग, एक राइट बराबर फाइव स्कोर आपका दो एक राइट किस पे अगर आप आ गए साहब रो साहब रो साहब रो आप क्या पकड़ रहे हो तुम लोग यार से से भी <laughs> था। था। तो <laughs> सुना एक बार बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ बोल रहा हूँ ये मैं सामने ऑप्शन लिख देता हूँ ना एक काम करता हूँ और इजी हो जाएगा चल बे झूठे अब था रियाइज हो जाना चाहिए कि प्रॉब्लम कहां पे है जैसे हम लोग आपको पढ़ाएंगे स्मॉल कंपनी नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम आपको पढ़ाएंगे गवर्नमेंट कंपनी हम आपको पढ़ाएंगे अभी एसोसिएट कंपनी पढ़ाएंगे अब दिखाई देता हम आपको एक बार बाद में कॉपी करना एक सेकंड मैं वापस ओपन करूंगा चिल तू ये देख तू पे लैग बिहाइंड कर रहा है मैं दिखा तो तेरे को देख मैं ओपन करता हूँ आपके सामने सबसे पहले हीरा स्मॉल कंपनी डेफिनेशन जो भी लिखा है अंदर सब टट्टी है सब भूल जा जो तेरे को आना चाहिए वो ये आना चाहिए ड नॉट एक्सट्री का मतलब क्या ठीक है सुनना मैं ख़त्म नहीं किया अभी इसको मैंने हटाया मैं आता हूं एसोसिएट कंपनी के ऊपर एटलीस्ट का मतलब क्या मैं इसको छोड़ता हूं आता हूं, आता हूं आपको लेके जाता हूं मैं गवर्नमेंट कंपनी के अंदर ये रहा नॉट लेस देन लिखा होना चाहिए कानिया कांगे, कहाँ कांगे, 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 ये रहा नॉट लेस देन और भी दो तीन जगह पे आएगा तो उन डेफिनेट में पे जा मैं जाऊँ और वहां पर जाकर मैं रट्टा मारने की ट्राई करें

तो आपके लिए डेफिनेशन पढ़ने से पहले ही ईजी जाने वाली है तो हम चीजों को स्मूथ बनाने की ट्राई कर रहे हैं स्ट्रीम करने की ट्राई कर रहे हैं तो आपको बेसिकली चाहिए थी तब ईशान -तब मैं का, का मैंने बता दिया था सियोना एक राइट था सियोना का ईशा के सारे रॉन्ग अक्षय का एक राइट निधि का भी आई गेस मल्टीपल रॉन्ग कृष का भी आई गैस मल्टीपल रॉन्ग वरुण के सारे रॉन्ग युवराज का एक राइट तो ऑनलाइन आई होप यू नाउ मिस्टेक्स और यूट्यूब पे ऊपर मेहरीन का मैसेज था सारे रॉन्ग थे संदीप का मैसेज था संदीप का एक राइट था एंड हम्म ठीक है पे फोकस मुझे नहीं लगता ऐसा क्या आपको अब जहां से बिलोंग करते हो जहां से पढ़ाया ऐसा किसी ने नहीं पढ़ाया होगा इतना अंदर घुस के ये देख एटलीस्ट का मतलब होता है मोर देन इक्वल टू किसी ने नहीं नहीं सिखाया होगा अब देख मैं डेफेस में जाऊंगा आपने चीजें कितनी आसान होगी देखना आप खुद नोटिस करना

इसको मैं ऐसे ही रखता हूं और हम आते हैं ब्लैंक पेज के ऊपर समय यह टाइम ना यहाँ पे क्या चल रहा है जैसे वहां पे होल्डिंग सब्सिडी था वैसे यहाँ पे अपने पास इन्वेस्टमेंट एसोसिएट है इन्वेस्टमेंट कंपनी आपके सिलेबस में है नहीं बट ठीक है मुझे सिखाने के टाइम पे एक बार एटलीस्ट वर्ड तो यूज करना पड़ेगा कि सर जैसे यहाँ पे होल्डिंग था ताकतवर और यहाँ पे सब्सिडी छोटा सा था वैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कंपनी बड़ा है और यहाँ पे छोटा सा एसोसिएट कंपनी है हम ये पढ़ रहे हैं ठीक है स्टार्टिंग नाउ

अब सिग्निफिकेशन का मतलब क्या आप वो समझने की ट्राई करते हैं तो मैं वहां से भी सिकली ड्रॉ कर रहा हूँ नीचे की तरफ दो एरो उसके अंदर फर्स्ट एरो को भरने की ट्राई करते हैं जो ईजी वाला है डेफिनेशन खत्म नीचे को कर देंगे, इंक्लूसिव टू वेंचर। डेफिनेशन खत्म हो जाता है अब ड्रॉ करो एक बार फिर मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे इसको बेसिक अभी लिखा एडिंग ऑब्वियसली टू क्लॉस सिक्स आज का आखिरी डेफिनेशन एलिमिटेड एलिमिटेड थर्टी सेकेंड मोर ओके आई गेस्ट टाइम आप तक पहुंचाना चाहिए क्वेश्चन सुनना देखिए कुछ भी नहीं है समझ में आता है कि सर, इस कंपनी का इस कंपनी के अंदर सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है

केसर होल्डिंग कंपनी में लिखा है मोर मोदी इक्वल टू फिफ्टी परसेंट गर्वमेंट कंपनी में लिखा है मोर मोदन इक्वल टू फिफ्टी वन परसेंट एसोशिट कंपनी में लिखा है मोर मोदी इक्वल ट्वेंटी परसेंट सर स्मॉल uh, कंपनी में लिखा है लेस देन इक्वल टू फोर करोड आपको सर आस पास में एक टेबल बना के दूंगा ठीक है आपको बहुत हेल्प करेगा वो एक साथ एक जगह पर सारी लिमिट्स लिखी रखी, रखी होगी तो आप कभी कंफ्यूज हो ही नहीं सकते बात की बात है छोड़ उसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं एसोशिएट कंपनी के अंदर यहाँ पे होल्डिंग सब्सिडी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एसोसिएट ओके यहाँ पे पढ़ा मोदन इक्वल टू ट्वेंटी परसेंट ठीक है नाउ मैं एक फिगर लिखता हूँ लेट द फिगर बी सेवेंटी सेवन परसेंटेज आपको ऐसा मानना पड़ेगा कि सर दोनों इसको कवर करते हैं मोर देन फिफ्टी परसेंट के अंदर भी सेवेंटी सेवन परसेंट आता है मोर देन ट्वेंटी परसेंट के अंदर भी सेवेंटी सेवन परसेंट आता है तो खुदा ना खासा अगर कंपनी एक्स कंपनी वाई के अंदर सेवेंटी सेवन परसेंट होल्ड कर रही है तो मां कसम में वाई को सब्सिडरी बोलू कि वाई को एसोसिएट बोलू सर मैं एक्स को होल्डिंग बोलू या एक्स को इन्वेस्टमेंट बोलू ऐसा और आना चाहिए ना आप तो क्या मैं आंसर बोल दो होल्डिंग सबसे वो सब मैंने मान लिया रीजन क्या उसका रीजन क्या उसका व्हाट इज द लॉजिक यू हैव विद योर आंसर टेल मी एक जन क्या वोटिंग पावर दोनों जगह वोटिंग पावर ये पागल

assumption that is what आई एम सेइंग ना चले हां भाई कुछ बोला था तू सर अगर मतलब इसमें 77% है होल्डिंग वाले का ये x y में इतना 77% होल्ड कर रहा है तो मतलब अगर वो 15 से ज्यादा है तो सब लोग के लिए ऐसा करते हैं 20 है उससे ज्यादा भी तो है पर सर वो एसोसिएशन में और होल्डिंग में डिफरेंस मतलब ना होल्डिंग में ज्यादा वोटिंग पावर मिल रहा है कैसे कैसे बात कर रहा है सर हमको कोई एसम्पन की जरूरत नहीं है उसने डेफिनेशन में लिखा हुआ है विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है सर नहीं समझ में आया अब स्पून फीडिंग करते हैं सर चम्मच जो स्पून फीडिंग यहां तक तो उतार देता हूं मैं देख सुनना ध्यान से कंपनी एक्स कंपनी वाई ठीक है ध्यान से सुनना एक बार में समझ में आएगा यहां से लेके यहाँ पे अगर आपका जो होल्डिंग परसेंटेज है वो अगर जीरो पॉइंट वन से लेके ट्वेंटी परसेंट तक है तो हम बेसिक ना ट्वेंटी भी नहीं बोलूंगा वो राधा से 19 .99. 19 .99 तक है तो रेशन अलग है सर सर ट्वेंटी से लेकर डॉट फिफ्टी परसेंट तक है तो रेशन अलग है सर और फिफ्टी पॉइंट जीरो वन से लेकर हंड्रेड परसेंट है तो रेशन अलग तो नाउ नंबर वन की बात करता हैं केस नंबर थ्री लास्ट वाले की बात करता हूँ बनेगा होल्डिंग और सब्सिडी का नाता यहां बनेगा इन्वेस्टमेंट एसोसिएट का नाता और फर्स्ट वाले के अंदर इस रिश्ते का कोई नाम नहीं है ये कुछ नहीं है तो ऑल यू नीड टू नो इन्वेस्टमेंट एसोसिएट का रेशन रहता है पचास परसेंट तक

इसको एंड uh, फिर दो मिनट बात करके आपको छोड़ देते हैं सर कॉपी करने तो आप कर सकते हो आपकी मर्जी ये समरी है बेसिकली तीन सेक्शन का वैसे तो चार सेक्शन है पर आपके में तीन ही तो ये मतलब सुपर समरी ऑफ वॉट वी रेड दिस इज टू एटी सेवन दिस इज टू फोर्टी सिक्स तीन सेशन एक साथ दोज ऑन यूट्यूब लेट मी नो इट इज क्लियर चलो लोग लाइव देख रहे हैं फिलहाल लेट मी नो चलो जूम पे आई होप थिंग्स आर क्लियर हम्म यहां पे तो हमने कर दिया टोटल अब नौ टॉपिक आठ डेफिनेशन टीचर्स

और उसके बाद उसके एक क्लास के अंदर डॉक्टर ने खत्म करेंगे एंड उसके क्वेश्चन आंसर्स मुझे ऐसा बोला गया था कि आप पे कल्याण से कुछ लोग आते हैं कल्याण से ऐसा कुछ मुझे बोला गया था कौन है कल्याण वाले उमा कितना डिस्टेंस कितना होता है यहाँ पे आने में सॉरी मतलब आपके लिए वो लोग कंसर्न थे कि कल्याण वालों को तो ऐसा लॉ के अंदर दर्द है ऐसा मुझे बोला गया था कि लॉ में थोड़ा सा तकलीफ ऐसा है करके यहाँ पे वो दीदी पागल क्या हंस रही है फोकस <laughs> जितना भी हमने पढ़ा मे बी फीचर्स ऑफ कंपनी अ जो भी है आई एम एक्सपेक्टिंग आपको अब तक समझने की बात नहीं है समझ तो पहले भी गया था याद करने की बात करो इंशाल्लाह याद हो गया होगा मैं फटाक से एक बार मैं खुद बोलूँ फटाक से आपसे नेक्स्ट आपसे पूछूंगा फटाक से अगर बोलूं तो वी बेसिकली स्टार्टेड द लेक्चर विद डेफिनेशन ऑफ कंपनी सेक्शन टू क्रॉस ट्वेंटी कंपनी मींस कंपनी इनकॉरपोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अन्य प्रीवियस कंपनी लॉ सॉरी एस पर सेक्शन टू क्रॉस ट्वेंटी ऑफ कंपनीज़ एक दो हज़ार तेरा अ कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉरपोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अन्य अदर प्रीवियस कंपनी लॉ दें बी स्टार्टेड विद सीधा फीचर आई इंडिपेंडेंट सेपरेटिकल एंटिटी एच होल्डिंग प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम टी बोलना पड़ेगा ऑफ सी कॉमन टू फोर्टी टू करा सर ट्राई करते हैं जितना जल्दी बोल सकते हैं उतना जल्दी पॉइंट कंपनी इज बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच हैज प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया सिर्फ आना चाहिए आपको सब कुछ आता है इंग्लिश uh, वाला और ठीक है नीचे की तरफ हमने लिखा

फिर क्या करा अनलिमिटेड सब सबको समझ आता है यार, कोई लिमिट नहीं उसके पर. से जा सकते है उसके ऊपर दूसरी कंपनी के अंदर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है आप ऐसा नहीं बोल सकते 20%. तो एक ही आना चाहिए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जिसका मतलब होता है एटलीस्ट ट्वेंटी परसेंट वोटिंग पावर इक्विटी एंड कंट्रोल प्रफरेंस या फिर पार्टिसिपेट इन मेकिंग जा सकते हैं Those on Zoom, uh, assuming, आपको समझ में आ गया होगा ठीक है थैंक यू सो मच कैन लीव डेफिनेटली नाउ एक्सपेक्टिंग समझ में आ गया होगा ठीक है ईशान थैंक यू सो मच दोस्ट ऑन यूट्यूब एक्सपेक्टिंग आपको समझ में आ गया होगा जितने भी लोग ऑनलाइन थे अराउंड ट्वेंटी जितने कुछ ऑनलाइन थे ठीक है एक्सपेक्टिंग होगा यू कैन जस्ट ऑब लाइक दीडियो एंड कैन लीव थैंक यू सो मच

घर जाके उसको एक बार रिवाइज कर लिया और कुछ नहीं लिखना आपको हम आपका इनोवेट क्लास के अंदर कम से कम चार या पांच और पेपर लिखवाएंगे हर सब्जेक्ट का तो आपको सीधा तब आना लिखने के लिए तब प्रैक्टिस से प्रैक्टिस होगी कितना ऑब्वियस है और ऐसा मुझे होगा तो मैं क्लास में आपको एक क्वेश्चन लिखा भी दूंगा क्लास में एक बार बस एक बार और मैं तो आपकी जगह होता आप कहाँ से आते हो से पास है। अभी से है, भी कल दूर नहीं है, है, है।, अभी अभी है तो तो आपकी आप तो आप जगह होता तो यहाँ से बैठा रहता दो बजे तक जब तक क्लास खुला है और अपने दोस्तों के साथ में डिस्कस करता हमने पढ़ा ठीक है फिर जब मैं ट्रेन में बैठता तो ट्रेन में जब तक मैं भिवंडी पहुंच नहीं जाता मैं अपनी नोट्स खोल के रखता और थ्रू आउट पढ़ता रहता जब मैं पढ़ाई करता था मैं तो टूथब्रश करते करते भी पढ़ाई करता था टूथब्रश करते हैं क्या खुद को क्या देखने का वही वैसे अच्छा मैं तो ऐसे पढ़ाई करता था तो आपके दिमाग में 24 घंटे खून में सिर्फ सीए ही भागना चाहिए तो ही पास हो सकता है सीए फाइनल तक ठीक है मेरी अच्छी नहीं। कोई नहीं उससे फर्क पड़ता देख अभी जब यहाँ पे जब प्रिंस हो गए